नोटों की चेंजिंग की एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब सी समस्या हम मान के चल रहे हैं। जिंदगी में सही मायने में कहा जाए तो कोई समस्या होती नहीं है। हम जिस चीज पे पैनिक का बटन ऑन कर देते हैं और मूलाधार चक्र पे चले जाते हैं, उसका काम है मुन्ना का हमें कंफ्यूज करना, डराना। वो फियर और ग्रीड पर पाल के चलता है हमें। वो सारे समय ये मेक श्योर करता है कि आदमी इस चंगुल से ना निकले और उसके दिमाग को उत्तर ना मिल सके। जब हमारे दिमाग को उत्तर नहीं मिलता तो जो प्रश्न होता है वो सजा बन जाता है। इसलिए उत्तर एक बहुत कमाल की चीज है। उत्तर मिल गया, समस्या का हल हो गया। दूसरी बात आती है, जिस चीज का उत्तर नहीं मिल रहा उसका क्या करें? उसके लिए बड़ी सादी सी बात है, हमारे पास एक थर्ड आई नाम की चीज ईश्वर ने दी हुई है। जिंदा उसने जिंदा छोड़ा, ये है कि आप लग्जरी आइटम नहीं कर सकते ये हमें, लेकिन लोग तो ऐसे मर रहे हैं जैसे बस वहां तक पहुंच ही गए। बस ऐसा कुछ नहीं है, दूध भी मिल रहा है, सब सब चीज हो रहा है, मैनेज हो रहा है, जिंदा है इंसान। जैसे आप बोलते ना हवा पानी चल रहा है, लेकिन वही क्या लालच और वो उसमें भूखा ऐसे है दस निकाला उसको इतनी हम लेने जाते डॉक्टर के लिए, डॉक्टर ने नहीं लिया उससे पैसे लिख लिए, कह रहे आप फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबको पता है कि दिक्कत पता है। सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए, धन्यवाद। देखिए, जो समस्या चल रही है उसका निदान अगर हमारे पास नहीं है तो उसका निदान हमारे सो कॉल्ड ईश्वर के पास है। हम कहते हैं ना भगवान बचाए, भगवान बचाए। हमें ये बहुत जेन्युइनली एक्सेप्ट करके समझना, रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारा जीवन अगर असफल रहा है सालों साल से, और एक नोटों की समस्या के लिए यदि असफल नहीं है तो हमारा भगवान तक कनेक्शन टूटा हुआ है। इस भगवान तक कनेक्शन टूट गया है, हम यहाँ से रिसाइड कर रहे हैं और यहाँ चल रहे हैं। ये ग्रेविटी है, आप हवा में उड़ेंगे, हवा तो यहाँ है, इससे भी ऊपर स्पेस, उससे भी कहीं ऊपर जाना है। तो आपको यहाँ ज्ञान और ध्यान देने के लिए हमारी दो राशि सक्रिय होती है, एक चार नंबर एक पांच नंबर कहने को कहा जाएगा। ये चंद्रमा की होती है, सूर्य की। सूर्य और चंद्रमा ये समय है, सूर्य मूव करता है तो हम उसे समय कहते हैं। हम कैसे कहते हैं? दस दिन बाद, मीन्स दस बार सूर्य के इर्द गिर्द धरती चक्कर लगा चुकी होगी, यानी हम अपने थर्ड आई की एक्टिवेशन इतना कर चुके होंगे। हमें चमत्कारिक उत्तर मिलते हैं जीवन से, हैरान कर देने वाली बातें हमें समझ आ जाती हैं और हम कहते हैं ये चुटकी बजी, ऐसे कैसे आया, ऐसे रास्ता निकला। तो रास्ता निकालने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें ऊपर वाले से कनेक्शन करना है। ऊपर वाला कौन? कोई एक अजीब और गरीब कॉस्मोस में शक्ति है जहां से हमें ड्रॉप 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 करके थॉट्स आते रहते हैं। रोज एक नया विचार आता है, कहां से आता है, कहां से आता है? कई समस्याओं की सॉल्यूशन निकल आती है चार साल बाद, पांच साल बाद। दिन रात ऐसी तैसी कराते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं हम लोग, दिन रात ऐसी तैसी कराते हैं, दो दिन बाद उत्तर मिल जाता है। अरे ऐसा कहां से आया? ऊपर से आता कहीं से। कोई कहता 20 साल हो गए जी, जवाब नहीं मिल रहा जिंदगी से, उसका ऊपर से वो आया नहीं, क्योंकि वो ऊपर गया नहीं, वो कहां है, वो यहीं फंसा हुआ है। आपको ऊपर जाना आ जाए तो सबसेट हो जाएगा, किसी चीज की समस्या नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत वो है जिसके लिए आप ऊपर जाने को तैयारी नहीं, आप थर्ड आई को काम ही नहीं करने देना चाहते, आप बैठ के मनन और मंथन नहीं करना चाहते, बंद आंखों से, बंद कानों से। आप खुली आंखों से वो देख रहे हैं जो दुनिया दिखा रही है, खुले कानों से वो सुन रहे हैं जो दुनिया कह रही है। ये दुनिया का कहना बड़ा मजेदार होता है, हमें दुनिया लीड करती है, हम बड़ा सत्य संवरते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि अच्छे लगे, इसलिए कि लोग कहें वाह क्या लग रहे हो। लोगों की राय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमारे संस्कार ऐसा है। हम दूसरों के मिरर न्यूरॉन से इंपैक्टेड इफेक्टेड होकर चलते हैं, अपना दूसरे पे नहीं। एक पागल होता है कोई मोदी जैसा जो सबके मिरर न्यूरॉन को कहता है ऐसी की तैसी। दुनिया के लिए मत सजो सबरो, अपने लिए सजो सबरो। आप देखेंगे आपको अपने लिए सजने की जरूरत ही नहीं रही। आप किसे इंप्रेस करते रहते हैं? पड़ोसी को। क्यों? पड़ोस वाली बीवी और पड़ोस वाले भाई साहब भी अच्छे लग रहे हो, भाई साहब भी होते हो क्या, वो ही अच्छे लग रहे हो क्यों? क्योंकि अपना पति या पत्नी ने एक दूसरे को सुंदर दिखना दिखाने का प्रयास करना बंद कर दिया है।
तो वो सच्चे सत्यता जान जाते हैं। पड़ोसी को सत्यता नहीं पता कि जो स्त्री है इसमें भैरवी है, इसको माता भी आती है, ये जो पुरुष है ये राक्षस है, रावण और कंस का फोटोकॉपी, इसमें भैरव बाबा आते, वो नहीं जानते। वो जानते हैं हाय क्या मुस्कान है, कितने सुंदर है, कितने अच्छे लगे। हम हमेशा दूसरों की राय पर चलते रहते हैं, लोग बुरा तो नहीं कहेंगे, लोग मुझे अच्छा ही कहें, लोग मेरी तारीफ ही करें। हम लोगों के लिए जीने लगे हैं, हम लोगों के लिए सजते संवरते हैं, हम लोगों के लिए गाड़ी खरीदते हैं, लोगों के लिए नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, हम सब कुछ लोगों के लिए करते हैं। ये बंद कर दो। जैसे ही ये वाइब्रेशन और एनर्जी आपकी लोगों के लिए जानी बंद हो जाएगी, आप अपने पूरे घर के स्वामी हो जाएंगे। आपने अपने घर में थोड़ी जगह खुद को और बाकी लोगों को दे रखी है। क्या परेशान होते हैं लोग, यार बच्चे की फीस, बीवी के खर्चे, घर की रोटी, कल की जमावट, परसों के मामा जी को ये दिखाना, शादी के क्या करते हैं, सब चीजें जमा कर रखी हैं, सबको दफा कर दो। अब डर लगता है कैसे कर दें, कैसे कर दें, क्योंकि थोड़े समय बाद जीवन में बुद्धि चलनी शुरू हो गई और हमें लगने लगा अब हम डिसीजन लेने लगे हैं। पहले जीवन में सब कैसे चला था। हर बड़ा व्यक्ति जो कमाता है या धन को जान चुका है कहता है यार बचपन में क्या मजा था, क्या नशा था, ये शिक्षा ही नहीं थी कि टेंशन करनी है बिल की, बिल अपने आप जमा होता था। कोई बाप नाम का आदमी अगर जमा कराता था, कोई माँ नाम की व्यक्ति चिंता करके भोजन परोसती थी। अब हमने जब से चिंता करनी शुरू कर दी है स्यापा ये हुआ है, क्योंकि हमने आदत गंदी बिगाड़ ली। अरेंजमेंट तो पहले भी था, कब, जब खुद पर नहीं पकड़ा था, दुनिया पर नहीं छोड़ा था, स्वयं होता था, बहाने बनते थे। अरे भीख भी मिल जाती है ऐसे समझदार भिखारी को, तो ऐसे समझदार भिखारी को भी भीख मिल जाती है, कई लल्लू भिखारी उनको भीख भी नहीं देता कोई। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, ये समझना कि हमें ऊपर वाले तक छोड़ना आया कि नहीं। अगर हमें उस तक छोड़ना नहीं आया, हमारे अरमान और इच्छाएं पूरी नहीं होती। कहाँ है सारे भाव, कहाँ है सारी इच्छाएं, ये धरती है, भूमि है, इसके गर्भ में है, इसके गर्भ में धरती में सब छुपा हुआ है। आप देखिए इस धरती में पहले हम गेहूं उगाते थे, सबसे पहले तो खैर धरती से उगाना भी कुछ नहीं आता था, धरती ने ही हमें जीवन दिया है। सबसे पहले तो जानवर को खाते थे, उसके बाद हमने गेहूं उगाना सीखा धरती से ही, उसके बाद हमने कंप्यूटर निकाल लिए, आज इस धरती से ही हम हवाई जहाज बना रहे हैं, सब कुछ इस धरती से निकल रहा है। ये ना सोचना कहीं बाहर से आ रहा है, हमें कन्वर्ट करना आ गया, धरती में सब कुछ है। यहां हमारे जीवन के इस जन्म के सारे थॉट मूलाधार में पड़े होते हैं सुप्त अवस्था में। हम किस किस को सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की शीतलता दे सकते हैं वो बाहर आ जाता है। जैसे ही एक बीज अंदर डालते हैं धरती के गर्भ में, कुछ बाहर आ जाता है। धरती का कमाल देखिए, उसमें कूड़ा डाल दीजिए, थोड़े समय बाद उसका फर्टिलाइजर बना देती है। ये उर्वरक है, इसके गर्भ में संतान उत्पत्ति के लिए पूर्ण साजो सामान है, सिर्फ सही सूर्य और चंद्र मिलने की जरूरत है। आपका विजन कितना सही और कितना गलत है, सारा खेल उस पर है। आप इसमें से सब सोए हुए कर्मों को, जो कई जन्मों के लिए पड़े हैं संचित कर्म, में से कुछ कर्म, कुछ कारण शरीर जो इस जन्म में लेकर आए, जीने वाले हिस्से को अंकुरित कर देते हैं। इसमें लाखों अरबों चीजें पड़ी हैं कई जन्मों की, इस जन्म वाली को हम अंकुरित करते हैं और जीना शुरू करते हैं, वही अंकुर बन रहा है। ये यहां से ऊपर की ओर ही उठता है, हर वृक्ष ऊंचा हो जाना चाहता है, नीचे नहीं जाता, ऊपर ही उठेगा। धरती के गर्भ से सब निकलता है, यहां हमारी इच्छाएं दबी है। ये इच्छाएं पूरी कहां से होंगी, किसी ने गाड़ी चाहिए पूरी हुई, इसका क्या मतलब, यहां से यहां तक सूर्य से धरती का कनेक्शन है, धरती और सूर्य का कनेक्शन है। जहां जहां सूरज की रोशनी धरती को मिलती है, जमीन में से कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है। सूर्य थर्ड आई है, चंद्रमा भी थर्ड आई है, इसके दो पोर्शंस हैं। यहां दो चक्र दो होते हैं, कमल की दो पंखड़ियां, यह सहस्रारा है, यह हजार हजार पेटल्स है, पेटल्स ऑफ लोटस कहते हैं इसको, कमल के फूल की कलियां, यहां दो मात्र हैं, यहां डुअलिटी होती है दो, जहां हम सोचते हैं या तो है या तो नहीं है, मीन्स थर्ड आई के आसपास हम नाच रहे हैं, यार है कि नहीं है, अच्छा है हो भी सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, फिर एक उत्तर मिलता है, वो थर्ड आई का आवाज होती है या नहीं है, एक डन, डुअलिटी समाप्त। यहां तक डुअलिटी चलती है, दो विचार, स्त्री पुरुष, सही गलत, अच्छा बुरा, गर्म ठंडा, सुंदर असुंदर, टूटा हुआ जुड़ा हुआ, ये सब यहां है, सब कुछ। जब आप इसके पास नाचते हैं, सोचिए थर्ड आई के आसपास आने वाले हैं, शांत रहेंगे, उत्तर मिलेगा, जो भी इच्छा हमारी है यहां से पनपती है और वो उठकर ऊपर जाती है। सारी इच्छाएं ठोस है, ठोस ये है तमस, तामसिक प्रवृत्ति,
सब तमस, धरती में सब तमस ही तमस भरी पड़ी है, इच्छाओं का अनंत ब्रह्मांड है हमारे अंदर। एक जन्म में मौका नहीं मिलता, नहीं तो हम पता नहीं कितनी इच्छाएं करें, लगता है जिंदगी छोटी पड़ गई, अभी तो ये भी करना था। हर व्यक्ति जीवन के एक संयम एक समय पर ये सोचने विचारने लग जाता है यार ये और कर लेते, अच्छा ये और कर लेते का विचार उससे पहले नहीं था, क्योंकि जो जो कर लिया के बाद नई इच्छाएं अंकुरित हो रही है, क्योंकि यहाँ कई जन्मों का रहस्य फंसा हुआ है। ये कारण शरीर लेकर हम आए हैं, इसका नाम थीटा ब्रेन है, इसका नाम मुन्ना है। ये रेडीमेड फीलिंग है हमारी चिप के अंदर, हमारे अपने बायो इंटरनेट में, हमारे अपने बायो इंटरनेट में हम कनेक्टेड हैं 24 घंटे ईश्वर से, कॉस्मोस से, और यहाँ हमारा सारा का सारा संग्रहित टिका हुआ संचित कर्म है, जिसको आप फल भोगने हम धरती पर आए हैं। ये अक्सर प्रश्न आता है, क्या करने आए धरती पर? यही प्रश्न पूछते रह जाते हैं, जो करने आए वही कर रहे हैं और इसीलिए आए हैं। रोने पिटने या खुश होने या इस रोने पिटने से लड़ना सीखने या ज्ञान करने या अपने संचित कर्म को एग्जॉस्ट करने या आगे के लिए उनका फर्टिलाइजर बनाने के लिए जमीन में ही दबा के रख दिया। कमाल की चीज है कि हम ये नष्ट भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सूर्य और चंद्रमा दोनों चाहिए, हमारे थर्ड आई ऑन होनी जरूरी है। हमें रास्ते नहीं मिलते, रोज एक समस्या होती है, क्या करें यार, इसका आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो यहाँ से ऊपर नहीं है, वो कहाँ फंसी होती है। कुंडलिनी का बड़ा कमाल होता है, ये ऊर्जा है हमारी, ये कहाँ फंसती है? काम ऊर्जा में फंस जाती है, स्वादिष्ठाना में, मेरी समस्या, मेरे नोट, मैं क्या करूं, ये काम ऊर्जा में फंस जाता है और इससे ऊपर बढ़ना ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये रजस है, लचीला, राजसिक, तामसिक, राजसिक, रज, स्त्री में रज होता है, पुरुष में वीर, रज, लचीला, जल लचीला होता है। कुछ लोग बहुत ठोस नेचर के होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग थीटा ब्रेन होता है उनका, वेरी स्ट्रॉन्ग थीटा, मुन्ना, जो लचीले हो जाते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन है हमारा, ये डेल्टा ब्रेन है, ये हार्ट के साथ सिंक करके चलता है हमेशा, सपने भी यही दिलाता है, सपने इसके पास है, सपने थीटा के पास है, ये सबकॉन्शियस इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ये राजसिक है, आनंद मजे लेने, वाह मजा आ गया। हमारे जीवन में जितना भी ठोसता है, पक्कापन है, ये यहां है, ये यहां है, हम भागते नहीं है, टिका लेते हैं, कहीं बैठ के स्थान बना लिया, अपना बम टिका लेते हैं, ठोस था, स्थान कहां है? जहां हमारा बैकबोन है, जहां हमारा थीटा है, जहां हमारा धरती का तत्व, वो हमारा स्थान है, हम वहीं बैठते हैं, दैट इज द बॉटम। ये ठोसता ये सिद्ध कर देती है कि मैं यहां स्थापित हूं, ये सबकॉन्शियस है, रजस या आनंद चाहता है हर समय, यही फंसी रह जाती है कुंडलिनी की काम ऊर्जा, और ये ऊर्जा इसके ऊपर एग्जॉस्ट हुए पहले ऊपर बढ़ती ही नहीं, इसलिए काम ऊर्जा में फंसे रहते हैं हम। काम सेक्सुअलिटी में भी जा सकता है, जलाने के भी काम आ सकता है, अहंकार के भी काम आ सकता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा, ये सब में जा सकता है, इसके अलग अलग तरीके हैं। भीड़ से बहुत ज्यादा कार्य करता है ये है इलेक्ट्रॉन। उसे पता चल जाता है ऊपर नीचे जाना आसान है। हाँ जी, कुछ लोग माता जी को फॉलो करते हैं, बड़े सी मंदिर वाली है वो कुंडलिनी जागरण बहुत ही ज्यादा देवी है, किसी ने उनको ज्वाइन किया था नामी में, उन्होंने वेद को चेक किया, पेट वेट करके दवा के चेक किया, और उन्हें बहुत डिस्टर्ब कुंडलिनी है, उन्हें आना चाहिए माता जी के पास, वो ठीक कर देगी। मैं उन दिनों ये माता जी के बिल्कुल डेड एज थी, वहां जाके बोला था जो मन में, तो मैं वहां तक गई और मैं ना वैसी की वैसी नई जगह हूँ, झोली में गई, तो कुंडलिनी जगाना क्या किसी और के द्वारा पॉसिबल है? ये आशीर्वाद के तौर पर होता है कि आप दूसरे के इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, उसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है, तो आपको कुछ समय के लिए वो क्रिया ऑन हो गई, ये वो चीज होती है। तो इसकी पेशेंस कहाँ पे होती है? होती है, ये कुंड होता है, कुंड, कुंड इज घड़ा एंड कुंड है, यह है कुंडलिनी, कुंड में लीन ऊर्जा, वो शक्ति मूव करती है ऊपर ऐसे, खुद ही होती है, नोबडी कैन डू इट। पहली बात समझ लीजिए, धरती पर कुछ भी हो सकता है, आप ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, हर तरीका सही है। कई लोग कहते हैं ऐसे नहीं, पतले होंगे वैसे होंगे, पता नहीं वैसे भी हो सकते हैं,
आपने क्या ऊर्जा डाली है भोजन में, उस अनुसार वो भोजन आपको पतला कर देगा। आपको लगता है प्रोटीन पीने से पतले होंगे, प्रोटीन से हो जाओगे, आपका ये बिलीफ है, नहीं भैया हम तो आम खा के पतले होते हैं, आम से हो जाओगे। आपको क्या, नहीं भाई साहब चार रोटी सुबह खाओ बिना घी वाली, चार शाम को खाओ पतले होंगे, वो भी पतले होंगे। आपने एनर्जी किस में डाल दी? आपको प्रेम हुआ किसी से, जिससे प्रेम हुआ बस उसमें डाल दी, वो प्रेमी बन गया। आपने एनर्जी कहाँ डाली? एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का गोला होता है एटम, उसके इर्द गिर्द जो गोला घूमता है वो मीलों दूर है इससे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें ठोसता है, सूक्ष्म बात करूंगा पहले की हुई है, ये ठोसता देता है और ये खुद गायब होता है, इसको फोटोग्राफ नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता कहां है, ये भाग जाता है, बट ये पता है कि ये होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सत तमस रजस, तीन तत्व होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के वजह से हमारे जीवन में ठोसता है, यही जिदे देता है, ये बोर्ड की जो ठोसता है इसका इलेक्ट्रॉन खोखला है सब, ये 99% खाली है बोर्ड, एम्प्टी स्पेस है इसमें, मुझ में भी, मेरे उंगली की ठोसता इसकी ठोसता से टकरा रही है, ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, अरबों इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और लग रहा है ठोस है, इतना पावरफुल है तमस, इतना पावरफुल है मुन्ना, आप इससे बच नहीं सकते। इसी के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप थॉट्स आते हैं, समस्याएं देने के लिए, सुख देने के लिए, दुख देने के लिए। इसका नियम है कि यह जीवन को मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, और इसके लिए सदैव आपको कुछ ऐसा सुख देगा जिसमें दुख निहित हो। आप सिर्फ थर्ड आई के द्वारा जान सकते हैं कि सुख और दुख ड्रामा है, इसमें फंसो मत, आप किसी लॉलीपॉप में नहीं फंसोगे, और बड़े मजे में सुख भोग भाग के दुख के टाइम से टाटा कर दोगे, वो भाग के फिर आएगा आपके पास, मैं तेरे चरणों में रहूंगा। जिस लक्ष्मी को भोगते हैं विष्णु उसे चरणों में रखते हैं, स्त्री और पुरुष की बात नहीं है कि एक स्त्री पुरुष के चरणों में बैठी, नहीं, ये एक सिंबॉलिक बात है, बट जिस लक्ष्मी जिस सुख को भोगना है वो चरणों में होता है तभी भोग मिलता है, उसे गले से लगाओगे सांप डस लेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन ये माइनस होता है ये प्लस होता है लाइक दैट, इसलिए पॉजिट्रॉन कहा जाता है इसे। ये प्रोटॉन प्लस करने में लगा रहता है, प्लस, ये रजस है, इसलिए रजस की इच्छा में क्या होता है राजसिक, और चाहिए और। इसके पीछे एक बहुत गहरी बात है कि जब हम जहां होते हैं हम उस समय वहीं होते हैं। हम अक्सर ये कमांड देते हैं यार कल से ना मैं जॉगिंग करूंगा, अब वो नोट हो जाता है अंतरिक्ष में, भाई कल से इसे जॉगिंग करानी है। अब अगला दिन आता है, अगला दिन फिर आ गया और कहता आज बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अचानक अगर उसने आज से आइडेंटिफाई कर दिया आज के दिन को माइंड से, तो उसके लिए ऊपर से निर्देश होता है इसे सुला दो, कल करानी है जॉगिंग, इसे इसकी टांग तोड़ दो, कुत्ता काट ले, इसकी मम्मी से लड़ाई कराओ, बोलो दूध लेकर आ पहले फटाफट, पापा बोलेंगे यार दुकान जा पहले जल्दी खोल दू, तो कल से जॉगिंग पे जाएगा। फिर अगले दिन फिर उसने आइडेंटिफाई किया यार आज के काज करनी है यार, पर आदेश जा चुका कल से जॉगिंग, अब फिर इसे कल जॉग करेगा, फिर कोई बहाना बन जाएगा, फिर कहेगा यार किसी को मैं बोल देता हूँ ना, फिर काम पता नहीं खराब हो जाता है। अब एक दिन आता है पिट पिट के, 10 दिन के बाद वो कहता है यार कल से जाना होता है जॉगिंग, भाई पता नहीं अब क्या हुआ यार, तो जो पहले का आदेश था वो क्रैक हो जाता है, ये कमांड टूट जाती है। ये कमांड हमारे अंदर के बायो इंटरनेट में चल रही है, हमारे अंदर का एक सिस्टम है, पूरा चक्र है जो अपने अंदर कमांड दिए बैठे, डॉज नहीं कर सकते हम, वही सिखा रहा हूं। जब हम उसको कहते हैं कल पता नहीं यार कैसी की तैसी होगा नहीं होगा, होता है नहीं, बापू कहता है ये करेंगे, माँ कहती है वो करेंगे, गर्लफ्रेंड कहती है ऐसा होगा, कुत्ते अलग पीछे काटने भागते हैं, ये चार कमांड जब आ जाती है तो ये कल के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो भुगत हो गया, वो बंदे ने भोग ली, दिमाग में ही भोग ली, हमने दिमाग में कर लिया होता है हनीमून, इसीलिए बीवी के साथ जब जाते हैं हनीमून पे तो लड़ाई करते हैं, हम पहले ही प्रोजेक्ट बनाकर उसके पैसे गिन के उसकी गाड़ी खरीद चुके होते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट कहता है 90% हाथ को आया पर भाग गया यार काम नहीं हुआ, यार नौकरी लगने ही वाली थी लगी नहीं, क्योंकि हम नौकरी लगने वाली थी को माइंड में ही जी लेते हैं, हाँ मेरी नौकरी लग गई है, बॉस मेरे पैर पकड़ रहा है, ऐसा हम पहले माइंड में जी लेते हैं। तो उसके अगले दिन क्या होता है, शायद जाऊं शायद ना जाऊं, देखते यार कल जाने को कहा था, जैसे उसने आज को तोड़ के आइडेंटिफाई किया कि कल मैंने सोचा था आज के लिए, आज वो जॉगिंग पे चला जाएगा। दैट इज हाउ रजस वर्क सबकॉन्शियस। इसे डायरेक्शन चाहिए, आपके कमांड्स बहुत ध्यान से जाने चाहिए। रोज रोज हम एक ही कमांड देते हैं, रोज का रोना रोते हैं, रोज का सेम रोना,
हाय क्या होगा, पैसे पाएंगे तो जिंदगी हराम यार, तबाह हो गई, कूड़ा हो गई जिंदगी, अब आपकी लाइफ कूड़ा हो गई क्योंकि आपने वही शक्ति को यहां से बुला लिया है। इट ब्रिंग्स 33.7 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड की स्पीड से हमारे स्वाधिष्ठाना चक्र से इच्छाएं कॉस्मोस में जाती हैं और मैनिफेस्ट होती हैं। यहां नो मैनिफेस्टेशन, यहां चाही हुई कोई चीज कभी नहीं होती, यहां चाही हुई किस प्रकार होती है, यहां कैसे और यहां से कैसे, ये खेल है सारा। ये सारी काम एनर्जी है, काम ऊर्जा है, ये सारी एनर्जी हम ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ऊपर और नीचे की ओर ले जा सकते हैं। यहां से सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे मिला, पर राजा होता है, राजा होने के बहुत कमाल के गुण होते हैं, राजा भोगता है। जो लोग अंधाधुंध भोजन करते हैं कि भोजन करना है बस पेट में ठूंस देना है, ठूंस देना है, ठूंस देना है, वो यहां से खाते हैं। खाना तो पिज्जा है लेकिन कैसे खाना है, बड़े बड़े कौर और साफ, 5 सेकंड में साफ, कहां गया पता ही नहीं, वो तमस प्रवृत्ति से खा रहे हैं। उसमें हार्म नहीं है कोई, ये सिर्फ प्रवृत्ति बता रहा हूं, इसके अलग नियम है, अलग बात। ये बहुत अच्छी शक्ति है, अगर ये ना हो तो ये सब होगा ही नहीं। याद रखिए, इसके बिना ये सब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसी को रूपांतरित करना है, इसी को रूपांतरित, इसी को रूपांतरित, इसी को रूपांतरित, इसी का परिवर्तन होना है। इसके बिना तो एग्जिस्टेंस जीरो। जब इससे शरीर त्याग दिया जाता है, सांस की क्रिया छूट जाती है, मृत्यु। इसलिए ये तो चाहिए ही, पर जो अंधाधुंध खा रहा है, तेज तेज खा रहा है, बड़े बड़े कौर खा रहा है, भूख तो आधे पिज्जा से मिट गई लेकिन कह रहा थोड़ा सा और ठूंस ही लो, खाया और ठोक ठोक के अंदर मजा आ गया, फिर पेट फट रहा है, ज्वालामुखी बन रहे हैं अंदर पेट में। वो तमस प्रवृत्ति है। जो रजस होता है ना, वो पिज्जा लेता है, उसकी टॉपिंग देखता, बढ़िया निहारेगा, मजे लेगा, खूब सारे राल बनाएगा। वो कहते ना, दारू देखते मुंह में पानी आ जाता है, पानी डालने की क्या जरूरत। वो रजस प्रवृत्ति है। किस प्रकार, क्या आपने लिया, फिर उसके बाद ना बड़े मजे में एक बढ़िया सोफा देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं, लड़कते हैं या म्यूजिक चलाते हैं और फिर पिज्जा खाते हैं, उसमें खूब सारी ऑर्गेनो डालते हैं, चिली शिली जो अपना टेस्ट, फोटो भी खींचते हैं, हाँ फिर सेल्फी भी ले सकते हैं उसमें, माई सेल्फ ईटिंग पिज्जा टुडे, वो भी कर सकते हैं। दैट इज रजस, दैट इज राजसिक। इसके ऊपर आता है आपका प्रोटॉन के ऊपर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन शब्द अपने आप में ही न्यूट्रलिटी को बताता है, न्यूट्रल। आप जानते हैं ये फायर चक्र होता है हमारा, ये हमारे सेंटर में होता है, ये हमारी नाभि है, हम जो ब्रेन का केक बनाते हैं उसके सेंटर में होता है, हमारी बॉडी के सेंटर में है ये नाभि। हमारा कोर कहां है, धरती का कोर है उसके पेट में, गर्भ, एंड हमारा यहां है, ये है न्यूट्रॉन। जब आप भूख लगी, चल यार पिज्जा ही मंगा ले, खाया रोटी की तरह, स्वाद की ऐसी की तैसी, नो लेना देना, नो चॉइस, आपको कोई लेना देना नहीं है, यार ये वाला खाते हैं, वो वाला खाते, आप जो खाओगे वो शरीर के लिए अमृत बनेगा यदि आप इस फीलिंग से खा रहे हैं। दिस इज न्यूट्रॉन। यहां से भोजन लेंगे, आप आनंद स्वतः ले रहे हैं कि पेट भर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, जबान को मजा आ रहा है कि नहीं, शरीर कहना मानेगा और उससे सबसे अधिक शक्ति निकालेगा, सबसे अधिक शक्ति। जो लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पावर देते हैं, और चूंकि मुन्ना से इन्फ्लुएंस्ड है इसलिए शराब और सिगरेट ये हमें ठोसता देती है, मोर ठोसता इन लाइफ, ये हमें और ज्यादा मदहोश कर देती है। किस चीज से, सबसे, सारा ज्ञान व्यान सब गया ऐसी की तैसी में, उस समय हम कट ऑफ हो जाते हैं। ये शराब और सिगरेट, निकोटीन होता है, जितनी नशे की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमें क्या करती है, ठोसता देती है। और ये ठोसता यदि ज्ञान से लिप्त हो, ये तमस यदि कन्वर्टेड हो ज्ञान में, ये हमारा इंटेलेक्ट होता है, ज्ञानमय कोश। राइटिंग तो इतनी खतरनाक आ रही है, मैं क्या करूं, सत्यवान नया पेन लेना पड़ेगा हमें, ज्ञानमय। सर ये आपने बताया जितना भी नशा होता है ये थीटा ब्रेन यहाँ पर होता है, पर कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो नशे, बता रहा हूं, नशे के उसमें बहुत क्रिएटिव, अरे वही लेके जा रहा हूं ना, ये इंटेलेक्ट होता है। जब यहां से लेते हैं हम तो ड्रिंक और स्मोक तो यहां होता है, लेकिन ये हमें इसको तरंगित कर देता है। इसलिए शराब और सिगरेट बुरी नहीं है, आप किस फीलिंग, किस विचार और किस कोष से पी रहे हैं, कौन से लेयर पर है, वो क्रिएटिविटी देता है, वो ज्ञान देता है। इसलिए शिव को चर्सी कहा गया, भंगोड़ी कहा गया है। क्या है, तीसरा नेत्र, ये शिव की विशेषता है, लंबी जटाएं शिव की विशेषता है, बहुत पावरफुल सहस्रारा, वो सारे समय इस तमस को ही रूपांतरित करते हैं ज्ञान में, यानी तमस को ज्ञान में भी परिवर्तित किया जा सकता है।
बहुत शराबी लोग होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। नॉन शराबी से आप बोलो भाई कुछ दे जा, कहेगा ये ले थप्पड़, ये ले गाली। शराबी को बोलो बाबूजी कुछ दोगे, बोले तू ही मेरा भाई है, ये ले सब। यस, ये खेल है कि आपने उसको रूपांतरित किया है कि नहीं। क्या आपने ये ज्ञान समझा है? क्या आप मैं फंसे हुए हैं या निकल चुके हैं? आप हम में जा चुके हैं या सब में जा चुके हैं या किसी में भी नहीं? ये डिपेंड करता है। तो आपको उत्तर मिलने शुरू होंगे जब आप यहां पहुंच जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों का जमावड़ा आपकी लाइफ के तीनों चक्र नीचे, नाभि और उसके नीचे सक्रिय है। पैदा होने के पश्चात सांस अपने आप चलती है। दिमाग नहीं, दिमाग तो भी डेवलप करना है। आपका यूरिनरी सिस्टम, आपका मल त्यागने का सिस्टम, शरीर के अंदर किडनी, लिवर, स्प्लीन, स्टमक सब चालू है। ये तीनों तो चालू ही है, पैदा होते ही जन्म से ये तो चालू किए जाते हैं। ये तो खाली ढक्कन होता है। और ये सब किस लिए खाली ढक्कन? ताकि आपके जीवन में इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की सोच मिले। हम यहां इस समय बैठकर जो कर रहे हैं, यहां खेल रहे हैं, यहां की बातें हो रही, ये तो सेट है ही। बचपन से भी जो हमें संस्कार किए गए, किस लिए? कि अब ये जो खाली डब्बा है थॉट्स का, ये नए नए थॉट्स आएगा और आपको जो भोगना है पूर्व जन्म का वो कैसे भोगोगे? रोने पिटने दोनों भाइयों को बुलाया जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर मृत्यु लोक है। यहां मरते हैं हम, हर चीज मरती है। गॉड जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, ये होगी। मजे की बात, डिस्ट्रक्शन का देवता शिव है। अगर आपने शिव को डिस्ट्रक्शन के तौर पर जाना तो आपके जीवन में चीज आएगी और मर जाएगी। आपके 500,000 के नोट आएंगे और मर जाएंगे। अगर आपने शिव को रिक्रिएटर की तरह जान लिया, एक शिव यहां है डिस्ट्रॉय करता है, एक शिव यहां है ये रिक्रिएट करता है। तीसरा नेत्र ऐसे ही नहीं बनाया गया शिव का, शिव को देखने की आवश्यकता नहीं, शिव हम सब में है। ये तीसरा नेत्र रिक्रिएट करता है। कूड़े का फर्टिलाइजर कैसे बनता है? अपने आप बनता है। आप जिस धन को लें उसके लिए धन को हाथ में लेके सोचे रिक्रिएट होना, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो परिवर्तित ही होता चला जाएगा। कभी सोफे में, कभी गाड़ी में। मजे की बात क्या होगी? आप जो सोफा खरीदोगे ना, वो 10 साल बाद एंटीक डिक्लेयर हो जाएगा और पहले जितना खरीदा था उससे महंगा बिकेगा। आप जो गाड़ी लोगे, उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा खास मिल जाएगा कि आप कहोगे इसमें तो और पैसा आ गया। उस गाड़ी में होने भर से ही आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, प्रेम की वृद्धि होगी, शांति की वृद्धि होगी। वो गाड़ी आपको हॉस्पिटल ले जाने के काम नहीं आएगी, वो आपको घुमाने के लिए काम आएगी। इट इज द एनर्जी, आप किस एनर्जी के स्रोत से कनेक्ट हो रहे हैं। आज हमारे राजा साहब हैं मोदी जी, माननीय श्री श्री, क्योंकि भाई राजा से कम नहीं। अब ये बड़ी बातें हो रही हैं, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, नोटों के लिए दुखी हो रहे हैं, एक आदमी मर गया, एक की हॉस्पिटल की बॉडी ये हो गया, एक का फलाने का वो हो गया। यार जिसने मरना था वो कल भी मर रहा था, परसों भी मर रहा था। कोई चाचा की वजह से मर रहा था, कोई मामा की वजह से मर रहा था, कोई हादसे की वजह से मर रहा था, किसी को भोजन नहीं मिला, एक की नोटों की वजह से मौत होनी थी, वो भी हो गई। राजा ने फैसला लिया है, प्रजा के कुछ हिस्से को तकलीफ हो रही है, अब राजा क्या करे? राजा बोले नहीं नहीं, नहीं ये तो प्रजा को तकलीफ हो रही, छोड़ देता हूं यार। राजा कहा है, ये रहा तीसरा नेत्र। हम सब किसके थ्रू चलते हैं? कौन जाता है पिक्चर देखने? सिर्फ ये पट्टे को खोपड़ी में आता है दिमाग में, चल यार मूवी देखते हैं। बॉडी फटाक से खड़ी होती है, हॉल की ओर चल देती है, वहां एक टिकट खरीदता है और चेयर पे आराम से बैठ जाता है। फिर पिक्चर देख रहा है, नाचोस खा रहा है, पॉपकॉर्न चबा रहा है, कॉफी पी रहा है। पिक्चर खत्म हुई, बॉडी उठाई और चल दिया। कौन कर रहा है सब कुछ? सब कुछ राजा कर रहा है, ये प्रजा है पूरी बॉडी। अब आपके राजा को कोई कार्य करना है और प्रजा की छोटी सी एक उंगली के अंदर चोट लग गई, मान लेते हैं इसमें चोट लग गई, ये चींची चींची कर रही है, जैसे आजकल लोग मीडिया में टीवी पे हल्ला मचा रहे ना, हम 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, हमारे घर में ये ना हुआ, राशन ना है, जो भी हो रहा है, वो तकलीफ कुछ को होगी फॉर अ बिगर गेन। बहुत बड़े गेन के लिए ये छोटी चीजें इग्नोर राजा को करनी पड़ेंगी। जापान में क्या कर रहा मोदी? वो जापान में इसीलिए बैठा है कि ऐसी की तैसी में जाओ, न्यूट्रॉन। अब मोदी वापस आएगा, देखेंगे मोदी कहां से काम कर रहा है। मोदी सहस्रारा से काम कर रहा है यदि, तो आएगा और उसका कुछ ना बिगड़ेगा, उल्टा लोग उल्टा कहेंगे आपने हमें मारा, बहुत अच्छा किया, आपने हमें लाइनों में खड़ा किया, थैंक यू देवता हो आप,
लोग माथा पीटेंगे कई ऐसे कि यार ये ऐसा आदमी इसकी फिर तारीफ हो रही है, वेयर इज ही वर्किंग फ्रॉम, सातवें माले पे खड़ा है वो, छठे माले वाला भी यूं करके देखेगा उसको चरणी दिखाई देंगे, आप किस माले पे खड़े हैं, आप नीचे हैं तो आप चरणी पकड़ेंगे सबके, आप पैर पकड़ पकड़ के 500 1000 के नोट बदलवाएंगे, वो कहता मरता के मर जाएंगे तो सेक्रीफाइस झेलना पड़ेगा, आपके हाथ में प्लास्टर बनता है जब चोट लगती, कितने दिन का, 45 दिन का, अब देश को प्लास्टर बन रहा है तो 45 दिन तंग हो लो ना, पूरा देश सुधरेगा, ये मजाक की बात नहीं है, टूटी हुई हड्डी ओरिजिनल हड्डी से ज्यादा स्ट्रांग होती है, टूटी हड्डी जब जुड़ती है वो पहले वाली साबुत हड्डी से ज्यादा मजबूत होती है, ये मेडिकली प्रूवन है, इसलिए हड्डी टूट टूट के जुड़े तो घबराने की बात नहीं, शरीर उसको पहले से भी भयानक रूप से जोड़ता है, दिस इज ठोसता, दिस इज चीटा, दिस इज मुन्ना, वो खींच लेता वापिस शरीर ऐसी कि तैसी कैसे नहीं जुड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा जो मर्जी जोड़ लूंगा, वो पहले से भी ज्यादा मजबूती से जुड़ता है, बिछड़े हुए प्रेमी जब दोबारा मिलते हैं और जोर से मिलते हैं, इसलिए मोदी के लिए कोई हड्डी ना टूटेगी, वो अपने आप सेट हो जाएगा देखना, क्योंकि वो राजा की तरह काम कर रहा है, ये राजा, उसको छोटी मोटी उंगली में चोट लगी है, पैर में कट लगा है, नो प्रॉब्लम, बॉडी चल रही है, हो रहा दर्द होता रहा यार, आपको नहीं होता कभी कभी आप कहीं जा रहे हैं आपको पैर में छाला हो गया फिर भी आप कहते रहते हैं दर्द तो हो रहा है चलेंगे यार ऐसी की तैसी, अब जाना तो है, क्यों सहते हैं, कैसे सहते हैं, ये राजा की कमांड है, आप 25-30% दर्द के साथ भी चल लेते हैं, पेट में गुड़गुड़ है, दर्द है, बच्चे बुखार में जाके पेपर देकर आते हैं, क्या होता है, सफर कर रहे हैं, थोड़ी क्या, बहुत सी जनता सफर करेगी फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो कहां से चल रहा है, वो राजा की तरह चल रहा है, क्या आप राजा की तरह सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा 500 1000 के नोट, नो राजा ऐसा कभी नहीं कहेगा, आप राजा की तरह सोचिए, मेरे 500 1000 के नोट ऐसी की तैसी देखी जाएगी, कहां जाते हैं, जाएंगे जाएंगे कुछ कुर्बान हो जाएंगे, सैनिक हो जाएंगे, युद्ध ऐसी थोड़ी जीता जाएगा, अब युद्ध लड़ने जाओ और बोलो जी एक भी सैनिक ना मरे तो युद्ध लड़ा क्यों, क्या फायदा, दावेबाजी हो रही है, बीमार होते तो दवाई तो खानी पड़ती है ना, और यस दवाई होती भी कड़वी है, यस अगर किसी ने ज्ञान कर लिया वो सब मोदी के राज को नतमस्तक होंगे और समझेंगे और राजा को राजा की तरह काम करने देंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखना उसके लास्ट 500 1000 के नोट भी सट हो जाएंगे, जो चिंता चिंता खेलता रहेगा हाय 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 वो रोएगा, उसका 500 का नोट और 1000 का एक नोट अचानक गायब हो जाएगा उसकी दराज में, आप कहते हैं इस डॉक्यूमेंट को 2 महीने ढूंढ ढूंढ के मर गया, ये तो मेरी फाइलों में ही था, मुझे नजर क्यों नहीं आया पहले, क्योंकि हम राजा की तरह नहीं रहते, बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ती है, हम राजा को ना पकड़ना है ना छोड़ना है, सिर्फ डिसीजन लेना है, इसको सिर्फ डिसीजन लेना है, अब मैं मूवी देखने जा रहा हूं, आपको कैलकुलेशन में लग जाए यार वहां भी तरह से मैं ट्रैफिक मिल गया, बोले मिल गया रौन दूंगा जाऊंगा हर बजा बजा के, बोले यार वहां पे लाइन लंबी होगी ऐसी की तैसी वेट करूंगा पिक्चर को देखनी है, मिशन इज क्लियर, वहां जाके यार तेरे पास पैसे कम पड़ गए, कोई नहीं यार सिर्फ नाचोस खा के आ जाऊंगा भाड़ में जाए नहीं खाऊंगा कुछ और, मिशन इज क्लियर, आपका मिशन क्लियर नहीं है, आप हर समय कहते हैं क्या शब्द होता है सिंपल कमांड चलती है, यार पता नहीं क्या करेंगे भाई कैसे करेंगे भाई कर भी पाएंगे, मिशन ही क्लियर नहीं है आपका, तभी तो कहते हैं कि जो सनकी और पागल होते हैं वो सीधा एक थॉट रखते हैं मैंने ये हवाई जहाज बनाना है, वो हवाई जहाज बनता है उनसे, फिर कहते हैं ना भाई मंजिल के पीछे लगे रहो लक्ष्य को देखते रहो, वो एक तरीका है कहने का, समझ ये है आपको राजा की तरह रहना पड़ेगा, बिकॉज द राजा विल लिव अप, तब पूरी प्रजा मानेगी, आप क्या करते हैं आपके पास थॉट यह पैदा होता है, ये क्या है ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी है चुंबक, ये नीचे को खींचता है, यह है हवा, हवा ऊंची ऊंचाई पर है, यह अग्नि ये इससे ऊंचाई पर है लेकिन इससे ऊंचाई पर है, यह जल ये इसके ऊपर ही है, यह स्पेस ये हवा से भी ऊपर, आप क्या कर रहे हैं ग्रेविटी पर है, आपने एक थॉट लिया, आपका थॉट है कि मैं ना कल ना एक यार शर्ट खरीदूंगा बहुत बढ़िया, एक सूट खरीदना बहुत प्यारा, ये थॉट आपका यहां से चला, अब ये यहां टच करेगा तो काम हो जाएगा, पर आप क्या कर रहे हैं यहां, आपने 4 बजे दोपहर से चाहना शुरू किया कल मैंने सूट पहनना है, 4:10 तक आपने पहन भी लिया, सोच में पहन लिया बाका नौजवान लगूंगा मैं छा जाऊंगा, 4:05 पे या 10 मिनट पे आपने सूट पहन लिया, 4:15 तक आपने मामा जी को भी जलाना शुरू कर दिया, 4:25 तक आप राजा बाबू बन गए,
पांच बजे तक आपके दिमाग में सूट चल रहा है, फिर आपको आवाज आ गई खाना खा लो चाय चाय नाश्ते के लिए आ जाओ भाई, चाय नाश्ता करने लगे, फिर आपको लग रहा है मैं सूट पहन के चाय नाश्ता कर रहा हूं, आप इतनी ग्रेविटी फेंक रहे हैं उस थॉट में, वो ऊपर को जाता है बनू 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 खींच लेते हैं ग्रेविटी, फिर बनू बनू फिर ग्रेविटी, आप उस थॉट में उलझे हुए लगातार 24 घंटे तक आप उस सूट में ही घुसे हुए हैं, वो सूट पहने कैसे, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है सूट बनवाना खत्म, छूट गया तैरता हुआ फूकता हुआ उड़ता हुआ हवा से ऊपर यहां पहुंचेगा, आपको सूट मिलेगा, ऐसे बच्चे करते हैं कई बार, कितनी सुंदर बुद्धि होती है, फट भूल जाते हैं, टॉय 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 उसको थप्पड़ पड़ता है, कहता टॉय बेटा दूसरा ले ले, हाँ ये भी अच्छा है, भूल गया पहले वाला भूल गया, दो चार दिन बाद कुछ नया टॉय आ जाता है, हम भूलते नहीं। सारे असफल प्रेमियों का यह हाल है, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल ध्यान आएगा, लड़का लड़की के पीछे पड़ा दीवाना हो रहा है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तुझे प्यार करता हूं, एंड सो ऑन, अब वो गाना यहां गाया चले जा रहा है, गाया चले जा रहा है, गाया चले जा रहा है, थोड़े दिनों में वो राखी लेके भागेगी उसके पीछे, क्या दुखी हो गई मैं तेरी बातों से, ये कैसा प्रेम है, अरे हो गया अब निष्कासन समाप्त करो, स्कूल की भी छुट्टी होती है, घंटी बजती है, टंटन आउट, तुम तो पागल ही हो गए मेरे पीछे पड़ गए हो, किसी थॉट के पीछे मत पड़ो, आप राजा की तरह रहेंगे, आदेश दिया हराम, घबराना तो है ही नहीं, अर्जुन को राजा बनना सिखाया था कृष्ण ने, अर्जुन ने रोना पिटना ब्रदर्स बुला के गाना गाना शुरू कर दिया, हाय मेरे भाई, बोला मार दे गोली ऐसी की तैसी, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान, कहां से आ गया, कहां से आ गया बीच में गाना, ये करता है थीटा, तू बोले मार दे तीर, तीर नजर, बोले मार दे तीर, उड़ा दे खत्म कर, अर्जुन ने कहा नहीं नहीं चिंता चिंता, बोले राजा की तरह सोच, अकल का इस्तेमाल ही मत कर, डिसीजन फिनिश, बोले भाभियां मेरी क्या होंगी, बेचारी विधवा, बोले होने दे तबाह, डोंट बॉदर अबाउट इट, बोले उनके छोटे छोटे बच्चे, बोले डोंट बॉदर, युद्ध जीतने के लिए कौन मरा कौन जिया सोचो मत, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार किया तो डरना क्या, पीछे पड़ जाओ, युद्ध किया तो मरना जीना क्या, पीछे पड़ जाओ राजा की तरह, कई लोग युद्ध करते हैं पैर पकड़, कई लोग प्यार पकड़ करते हैं पैर पकड़ के, जो पैर पकड़ के प्यार करते हैं लड़के की ओर से कहूं तो वो स्त्री से लात खाते हैं, राजा की तरह यदि प्रेम करोगे तो स्त्री आपको प्रेम करेगी, प्रेम लेना कोई मजाक थोड़ी है, प्रेम दिल है हृदय, ये धड़केगा इसकी पल्स ब्रेन से चेंज होगी, ऐसे रह जाते हो, वो कब होगी जब आप राजा की तरह है। मोदी आज हमारे पास बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, हमारे देश के नई पीढ़ी के लिए तो बहुत बड़ी शिक्षा है, यार राज करना तो ऐसे करो ना, मोदी से पूछा गया आने वाले इलेक्शन में आपको तकलीफ नहीं होगी, आप अपने इलेक्शन नहीं हार जाओगे, दुनिया हेट नहीं करेगी आपसे, बोले मैं छोटी चीज के सुख के लिए अपने आगे 2.5 साल के कार्यकाल में ये नहीं सोच के छोड़ सकता सत्ता, यार मैंने अपने टाइम में कुछ किया ही नहीं, ना लोभ है ना मोह है, मोह नहीं है, आप क्या करते हैं, क्या ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, फियर एंड ग्रीड, ये दो है जो यहां चलते हैं, फियर एंड ग्रीड, फियर की बात हम कई बार कर चुके हैं, आज ग्रीड की करते हैं, ग्रीड चलती है, हाय मेरे ना मेरे बैग में पैसे हो, हाय मेरे पास मेरे घर में बड़ा वाला सोफा हो, एक पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, पति और पत्नी स्त्री पुरुष के तौर पर जब गृहस्थ में आ जाते हैं उसके पास जाते हैं, उनके जीवन में नई परिभाषाएं शुरू हो जाती है, शादी होने से पहले बहुत प्रेम होता है, एक शब्द है, यानी शोरूम में पड़ी चीज तब तक बहुत सुंदर लगती है जब तक अपने घर नहीं आई, फिर लगता है तो फिटिंग नहीं हो रही हमारे ड्राइंग रूम में, फिर ड्राइंग रूम तोड़ो या घिसो, ऐसे ही जब पत्नी घर आ जाती है तो पुरुष उसके बाद क्या करता है, फिर उसमें ग्रीड शुरू हो जाती है, युद्ध कहां शुरू होता है स्त्री पुरुष में, उसमें ग्रीड आ जाती है, हाँ अब मेरी पत्नी हो गई, अभी मेरी हो गई, मैं स्वादिष्ट खाना, अब ना मैं ना मेरे मन में अब इच्छा अभी है मेरी माँ का बहुत ध्यान रखे, फिर वो क्या ड्रामा करता है उसके पीछे, यार ये तो समाज की बात है, ये तो हम हिंदू हैं तो पुण्य का काम है तो बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्ग का एक तो मैं बीच में बात कह दूं, बुजुर्ग होने के ड्रामे बड़े बकवास होते हैं, ये बुजुर्ग सबसे बड़े ड्रामे बाज हैं, अपने आप को बुजुर्ग सिद्ध करते हुए सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं ये, अगर ये ड्रामेबाजी से हट जाएं और राजा या रानी की तरह कार्य करें तो उनकी बहुएं भी इनकी सेवा करेंगी और बच्चे भी प्यार करेंगे,
वो बेचारे हैं, दीन है, ऐसे ड्रामा करने लग, ये नहीं करना। बुजुर्गों के लिए भी शिक्षा है, और बुजुर्ग पहले ये ना सोचे हमारी तो उम्र बड़ी है, वो बॉडी की उम्र बड़ी है, खोपड़ी से छोटे ही होते हैं वो, इसलिए ये ना सोचे। जिस व्यक्ति ने सोच लिया मुझे सब पता है, वो सबसे बच्चा है, चूहा है, चाहे किसी भी उम्र का हो, क्योंकि ज्ञान अगर मुझे कोई देगा तो मैं भी ले लूंगा हाथ जोड़ के। कुछ मिल ही रहा है, लिसनिंग से मिलता है, इसकी क्लास हम पहले कर चुके हैं, हम लिसन, वी डोंट लिसन। बुजुर्ग तो सुनते ही नहीं, मैं बुजुर्गों की बुराइयां ज्यादा कर बैठा। कहां थे हम, बात कौन सी हो रही थी, मैं ये भी भूल गया। तो जब वो चाहता है कि मेरी माँ की सेवा करे, लड़का चाहता है कि मेरी माँ की सेवा करे, उसने ग्रीड का बटन ऑन किया है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का कार्य यूं खींचा या फेंक डाला, तो या तो वो बहुत जोर से खींचेगा या उसको फेंक देगा। अब जो इच्छा हमारी यहां से होती है, चाहिए चाहिए, मेरी माँ की सेवा कर, मेरी माँ की सेवा कर, मेरी बहन को पूछ, मेरे बच्चे का ध्यान दे, वो स्त्री कर ही नहीं पाती, और करती है तो भी लगता है व्यर्थ है, कुछ नहीं किया तूने, वो तो किया नहीं जो मैंने चाहा था, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ग्रेविटी में पीछे पड़ा हुआ। सूट पहनना है, सूट पहन लिया, सूट पहन के बिस्किट खा रहा हूं, सूट पहन के सो रहा हूं, सूट पहन के पार्टी कर रहा हूं, इतना अधिक चाह लिया मेरी माँ का ध्यान, मेरी बहन का ध्यान, मेरे बच्चे का ध्यान, वो स्त्री पागल हो जाती है, घर गृहस्थी का पूरा हो जाता है, क्योंकि बटन ऑन हो गया मूलाधार का। मूलाधार ऑन होते ही ये इच्छाएं पूरी ना हो, ये कसम खा के कॉस्मोस कार्य करेगा, ये सीड ऊपर नहीं आएगी। धरती में आपने सीड डाली, वो बाहर आएगी ना ऊपर, अब वो नीचे ना रहेगी, वृक्ष बनेगा, वृक्ष ऊपर जाता है। असली काम की चीज कहां होती है, फल, फूल। यहां सीड है, ये ऊपर बढ़ा, इसको पानी दिया हमने, सूर्य की तपिश मिली, उसको हवा मिली, जगह मिली, फल लग गए ऊपर, फूल लग गए। ऊपर है काम की चीज, नीचे व्यर्थ। सबसे काम की चीज वृक्ष के टॉप पर होती है, ये हमारा वृक्ष का टॉप है, यहां पर आता है फल। फल कहां मिलेगा भाई, बीज का फल, इच्छा का फल। इच्छा का फल कैसे मिलेगा, इच्छा करने का तरीका सीख लो, अगर वो तरीका सीख लिया 100% फलित होगी, 100%। अब वो यही चाहता रहता है, लड़की चाहती रहती है मेरे मायके चलो, मेरा ये कर लो, वो ग्रीड से चाह रही है। कैसे चाह रही है, जो बिना ग्रीड के चाह रही है, चल सको तो चल पड़ो, नहीं चलना तुम्हारी मर्जी, उसका पति उसको खुद उठा के ले जाएगा मायके, क्योंकि वो अनुनय विनय याचना नहीं करेगी या भक्ति करे चरणों में, वो तो मीराबाई बनने की राय नहीं दे रहा मैं, या फिर वो स्पष्ट बोल के छोड़ दे, ऑर्डर देके छोड़ा जाता है, जो ऑर्डर की तरह नहीं होता। अंदर से आपको राजा के समान फील करना है, ये कह दिया होगा, नहीं होगा कैसे, ही तो मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, और खराबी कुछ होगी, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो कृष्ण ने कहा तो अर्जुन को, बेटा कॉन्सिक्वेंसेस इतनी सोचने, सिर्फ तीर चलाना है, मोदी ने कॉन्सिक्वेंस थोड़ी सोचे, सिर्फ तीर चला दिया। बड़ा है ही वो जिसे फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ, फर्क नहीं पड़ा। बहुत बड़ा वृक्ष उसे फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा शेर उसे फर्क पड़ता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं कहते हाथी चलता रहता है, उसे फर्क पड़ता है। आप हृदय से कितने विशाल है, युद्ध से क्या मिलेगा। एक तालाब के पास एक शेर और एक चीता पानी पीने आ गए, पानी बतेरा, लेकिन एक शेर कहता मैं शेर हूं, चीता कह रहा मैं भी कम नहीं हूं। अब वो दोनों एक दूसरे को गुर्रा रहे, लड़ रहे, सोचे अब लड़ाई करते हैं, इसका मैं खून कर दूंगा, उसका मैं कर दूंगा, गोल गोल घूम रहे, मारेंगे काटेंगे। 10 मिनट बाद दोनों ने ऊपर गर्दन घुमा के देखा तो देखा ऊपर चील और गिद्ध इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने माथा पीटा, बोले यार ऐसी की तैसी, हमारी लड़ाई फायदा तीसरे का। ये होता है लाइफ में, आप लड़िए मत, लड़ना भी सोच के चलो, लड़ना भी सोच के चलो, लड़ाई से कुछ ना हासिल होगा, माइनस में जाओगे। गिद्ध बैठे हैं जो आपसे शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन आपके खराबी तबाही का आनंद लेंगे। किसी भी हालत में खुद को तबाह नहीं होने देना है। कौन किसको तबाह नहीं होने देना है, अपने अंदर के राजा को। आप में आने वाला एक भी संशय, पता नहीं होगा, पता नहीं नहीं होगा, यार कैसे होगा भाई, होगा भी कि नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चलता है, ये समझ नहीं आया लोगों को, समझाने के लिए बड़े लंबी क्लासेस चाहिए। मैं बताया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर करते बात, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता, हमने अंदर लिया मैग्नेट, ये खींची, ये हमारे अंदर गया चुंबक, पावरफुल हो गई अंदर बॉडी, ताकत कैसे होता है पावरफुल, ऐसे लड़ सकते हैं, ये छोड़ा
शक्ति विहीन, ये हमारा टूट गया, करंट टूट गया, फ्रीक्वेंसी आउट हो गई, ये हमने शक्ति ले। अभी हमने इच्छा की, यार मुझे गाड़ी चाहिए लंबी, हालांकि स्पेसिफिक होनी चाहिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लंबी चाहिए गाड़ी, ये छोड़ते हमने का सोच लिया, ये सबकॉन्शियस में चलता रहता है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, नोट एग्जाम होगी नहीं होगी, गाड़ी तो चाहिए, या लोन पास नहीं हुआ तो, लगातार कैंसिल करने वाली फ्रीक्वेंसी के ईमेल भेज रहे हैं हम, लगातार एक ईमेल जा रही है, दूसरी कह रही है कैंसिल कर दो, काम ही नहीं हो रहा। इसको समझना है, हाउ विल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, इट इज मैग्नेट, आपके अंदर का चुंबक। आप हमेशा कहते हैं बेटा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पर ना काम नहीं लगता इसका, पता नहीं क्या चक्कर है यार, बच्चा पढ़ता तो बहुत यार, नंबर तो आते नहीं इसके यार, पता नहीं है, ध्यान तो बड़ा लगता है हमारा यार, लेकिन पता नहीं इसके कमाइयां नहीं बैठ रही, क्या हो रहा है यार, ये जो लेकिन और हाँ और हाँ और ना, ये यही नाचते रह जाओगे, थर्ड आई की एंट्री नहीं हो पाएगी, वन ट्रैक वन डिसीजन, या आपका बेटा लायक है या आपका बेटा नालायक है, खत्म करो, नालायक होकर भी उठ जाएगा, वो नालायक होकर भी उठ जाएगा, वन ट्रैक था। पत्नी पति के पास जाती है, घबरा डर के बात बोलती है, सुनो ऐसा था, पहले वो खुद ही संशय में, फिर पति कहता है तेरी आवाज ही नहीं आ रही मुझे, क्यों होता है, बच्चे सुनते नहीं माँ की बात, माँ अंदर तुम प्यार में लगी रहती है, क्यों, ग्रेविटी, टू मच ग्रेविटी, मुक्त नहीं किया, जिस माँ ने बच्चे को शरीर से मुक्त करने के पश्चात मन से भी मुक्त कर दिया, वो बच्चे उठते हैं, वो बेटा बेटी ऊपर उठते हैं लाइफ में, बेहतर स्थिति में जाते, ऊपर उठना क्या है, यहां से बाहर मृत्यु, यहां तक पहुंच जाना ही ऊपर उठना, इसी जन्म में आपने मृत्यु को विटनेस करना सीख लिया, जीवन जीना समझना सीख लिया। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? कह रहा था जैसे हमारे राजा और किसी दूसरे राजा के बीच में जैसे अगर क्वारल होता है, जैसे शेर और चीते के दोनों के राजा में तो क्वारल हुआ, किसी एक को ही समझेंगे, हो सकता है कोई एक दूसरा ना समझे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दूसरे को पानी पीने दो, एग्जाम्पल के तौर पर बोलो, तू पानी पहले पी ले भाई। हमारे घरों में भी यही होता है, अगर मेरे पिताजी कुछ चाह रहे हैं, मैं कुछ चाह रहा हूँ, मेरा राजा कह रहा है ये तो काम मुझे करना है, अब ये तो मैं करूंगा, वो कह रहे हैं ये काम पे मेरे से गलत है, तो रिवोल्ट करो, अपनी सत्ता अलग बसाओ फिर, या तो नहीं तो सरेंडर कर दो, उस राजा के अंडर चलो, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, आप उसको राजा मानते हैं कि नहीं, सरेंडर कर रहा है एक्चुअली, तो फिर हमारा राजा काम थोड़ा कर रहा है, तो हमारे राजा को जरूरत नहीं है, अगर दूसरे को राजा हम राजा मानते हैं, कितने लोग हैं भारत में जो कह रहे मोदी पागल है फिर भी मान के चल रहे हैं राजा है, मान रहे हैं फिर भी कह रहे कोई बात नहीं देश का हित है, दैट इज सरेंडरिंग बिकॉज दे बिलीव इन हिम, वो बिलीव करते हैं कि हमारा भला हमसे ज्यादा वो समझता है, यह आपको जानना है, आप किसी और को राजा समझ सकते हो, इसी शब्द में गुरु की परंपरा है, आप किसी के हाथों अपना भविष्य सौंप सकते हो कि मेरा डिसीजन तू ले ले, आप अपने ब्रेन को यकीन दिला देते हो कि दूसरे का ब्रेन मेरे ब्रेन के लिए फैसला ले सकता है, आपके राजा ने उस राजा की बात समझी, उसके आशीर्वाद से, उसके द्वारा विचार से, उसकी सोच से, उसकी डायरेक्शन से आप उठ जाओगे वापस लाइफ में, आज आपको दिख रहा है मेरे लिए उठना ये है, पर शायद दूसरे को दिख रहा है ये गलत जगह होगी, तो हो सकता है आपसे ज्यादा बुद्धि उस राजा को, आप भी राजा ही बनोगे पिट के, वो राजा बना है पिट पिटाकर, तो वो आपकी पिटाई बचा सकता है, क्या आपको देखना किसकी उंगली पकड़नी है, जो छोटे बच्चे सड़क पारते करते हुए पापा मम्मी की उंगली छोड़ के भाग जाते हैं मर जाते हैं, आप राजा बनने योग्य हैं, ये भी सोचना जरूरी है, बनना तो राजा है, इसलिए किसी राजा से शिक्षा लो। सर इसका ये भी तो है कि या तो आप इस लाइफ में होंगे कि आपके माँ बाप आप पर विश्वास करेंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है, ये तो बहुत अलग हो जाएगा टॉपिक, विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको अपने चरित्र से कमाना पड़ता है। सर मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा लाइक बनो कि आपका डिसीजन जो ले रहे हो आपके पेरेंट्स आप पे वो पूरा बिलीव करें कि आप सही ले रहे हो। पहली बात कोई डिसीजन सही और गलत नहीं होता, ये रिजल्ट और समय बता सकता है जो डिसीजन लिया था गलत था या सही, वो तो दोनों तरफ से हो सकता है। इसलिए जिस राजा ने रिवोल्ट करके भी युद्ध करके भी अपने बड़े राजा के विरुद्ध जाना है वो समय के द्वारा बताएगा 5 साल 10 साल बाद कि भैया मेरा डिसीजन ठीक था। सर ये तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, दोनों तरफ से हो सकता है, इसके लिए आपको समय पर छोड़ना पड़ेगा और समय पर छोड़ने के लिए आपको ग्रेविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, विचार आया छोड़ दिया देखा जाएगा जो होगा यहाँ छोड़ दिया, यह है समय। थर्ड आई पे छोड़ दोगे वो ऑटो करेक्ट करती है, ऑटो करेक्ट घुमा फिरा के बहती नदी में बिना चप्पू बिना पतवार के आपको पहुंचा देती है सही जगह, चाहना नहीं है, ज्यादा नहीं चाहना है, हाय हाय नहीं चाहना है, पीछे नहीं पड़े रहना है, दीवाने नहीं होना है। हाँ जी तो एक्चुअली पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है मेरे ख्याल से, तो नॉर्मली हम लोग बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं तभी हम छोड़ देते हैं, जैसे बेटी का डिसीजन था ट्रस्टेड है देन शी लेट मी, नहीं मैं जो आप कह रहे हो वो तो मैं करूंगी नहीं, आई लेफ्ट हर चल गई जैसे करना था, देन शी चेंज द ट्रैक शी केम डाउन टू मी,
मैंने कहा चलो ठीक है जैसे करना था, हालांकि आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है कर लिया तो करे ना करे ना करे, अल्टीमेटली ये होता है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू एग्री विद देम, क्योंकि दोनों की थिंकिंग में फर्क तो होता है, मेरे हिसाब से उसको इंग्लिश पढ़नी चाहिए उसके साथ उसको हिंदी पढ़नी चाहिए, तो समझ वो भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ, बट मेरे पैरामीटर में उसको अपने हिसाब से देखूंगा तो थिंकिंग में वो रहो, यही तो मोह है, इसी को तो मोह कहते हैं। पहली बात बच्चा कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, आप सब अपना अपना नसीब लेकर पैदा हुए हैं, बच्चा भी नसीब लेकर पैदा हुआ है, आपने वो बनना नहीं चाहा था जीवन में जो आप बन गए, बन गए ऐसे वो भी बनेगा, आप फालतू में माथा पच्ची करके खपा रहे हो, उसे प्यार करो, उससे खेलो, उसका ध्यान दो और उसको शिक्षा दो के मरते समय तुम्हें गंगा जल मुंह में डालने के लायक बना सके तो बन जाए, ना बने तो भी बाहर में जाए। मैं ये कह रही हूँ जी, कई बार छोटे बच्चे 10वीं 12वीं तक के बच्चे पहले पहले मतलब 8-10 साल पहले वो होता था कि इंग्लिश लेनी आई हिंदी नहीं इस पे चल रहा था, तो बच्चे ने कहा मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा मेरे को तो हिंदी में ही पढ़ना है, वही बच्चा आज कह रहा है कि आपने मेरे को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई, जबकि हम उसको कह रहे थे पढ़ो या साइंस क्यों नहीं ली, आज उसको लग रहा है कि मैंने नहीं ली मेरा गलत हो गया है, लेकिन वो दोष माँ बाप को दे रहा है कि ब्लेम करते हैं ना बच्चे की, बच्चे तुम बड़े थे तुम समझाते हो, सभी ब्लेम करते हैं, सभी ब्लेम करते हैं, जब हमने बच्चे के कहना मान लिया था ना 10 साल पहले कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं तू हिंदी पढ़ ले, तब हम राजा नहीं थे, दो पीट के कहना ही मानना है, वो इतना मजबूर कर बैठा हमें कि हम ही हार गए, तो कौन सबसे क्रूअल, यही तो मोदी की बात बार बार आती है, क्रूअल राजा को क्रूअल होना ही पड़ेगा, आपको सत्ता अगर चलानी है आपके अंदर क्रूएलिटी चाहिए, वो सबके भले के लिए, मैं उल्लेख करूंगा विशेष एक मूवी आई थी हीरो, वो देखिएगा आप, चाइनीज मूवी है, मैंडरिन में बनी थी लेकिन चाइनीज सबटाइटल अब इंग्लिश में भी हो चुकी है, हीरो जेटली की मूवी है, बहुत सुंदर मूवी है, उसमें जो नृशंस शासक था जिसने चाइना में दीवारों में इंसान चुनवा दिए थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में, किसान उठा उठा के उसके ऊपर कहानी है कि वो इतना नृशंस था और उसको मारने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद कहता है मैं मानता हूं तेरे में क्रूरता है पर तू ही हमें यूनाइट कर सकता है, राजा में क्रूरता चाहिए, इस प्रकार की नहीं कि नजायज करे, इस प्रकार की कि कोई दुख परेशानी आती तो उसको झेल ले कोई बात नहीं, आप जैसे मैं शब्दों के लिए कह रहा हूं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिक बात, आप उस बच्चे को कूट पीट के कराते इंग्लिश, आप नहीं कर सके मान गया क्योंकि वो स्थिति नहीं बन, उसको भाग्य पर डाल दीजिए, अपने आप को उसके लिए गिल्टी भी मत करिए, आज वो टीटी करता है तो उसको मत सुनो दफा कर दो बाहर में जाओ, ऐसा बहुत करते हैं, जहां जाना होता उसने वहां जाता है, ये ब्लेम तो खेल है, हम तो खेलते रहते हैं, ये खेल है, बर्बाद भी कुछ नहीं होता, वो भी कोटा ही कट रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग टू द कोर ऑफ इट, अंत तक आखिर तक एक्सेप्ट करो, कभी पछताना तो है ही नहीं, रोना पिटना तो आने नहीं देना, जो ला रहा है यदि आपका बच्चा ला रहा है तो वो अभी जीवन में ग्रोथ देर से करेगा, आप मत लाओ, आप भी ये मत पछताओगे हाय मेरा बच्चा पछता रहा है, ये मुंह है, आपको नीचे की ओर खींच देगा ग्रेविटी की ओर, आगे की बात ब्रेक के बाद करते हैं, सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो हाँ जी बोलो, मान लो बच्चा पढ़ा कुछ और जॉब किसी और में जाए, फिर कुछ और उसके रास्ते अपने आप मतलब अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, तो वो क्या समझे, ऐसा होता है कई बार ABCD ही चलती लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ अनप्लान चलनी होती है, बहुत वो लग रहा है कंफ्यूज भी, जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स भी हो जाते हैं, तो बच्चा उसकी पेंदी नहीं लगी अभी, हाँ, लोटे बिन पेंदी का लोटा लुढ़क रहा है, लुढ़कने दो ना, तो कहां जाके स्टेबल होगा, कुछ चिंता नहीं, भविष्य में नहीं, चिंता तो मैं करती नहीं क्योंकि यही भविष्य में जाना ही चिंता करने का बीज है, अभी आपने भविष्य में जाने के लिए चिंता का बटन ऑन किया चले जाओगे, अभी इस ब्रेक के बाद बताता हूँ, अपने आप जाओगे, अजय जी के साथ बियर रखी होती है, वो चिकन लेकर आते हैं, हम दोनों खाते हैं बैठ के और बियर पीते हैं साथ, तो मुझे उनके लिए बियर रखनी पड़ती है, और शराबों वाले दिनों में टाइम जब अगली बार मैं बता दूंगा, शराब के दिनों में ले आए एक दिन वो सर आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ, तो मैंने घर पे फोन किया, मना किया, मम्मी ने कहा क्या हो रहा है, मैं कहा वो भोजन ला रहा हूँ ब्राह्मण भोजन, उनको चिंता मेरा बेटा आज मेरा पुत्र आज भोजन नहीं करेगा, बालक मेरा मैं मम्मी श्राद्ध का खाना, हाँ ठीक है बेटा चलो ब्राह्मण को तो खिला, कौन सी बात कर रहे थे, यही बात तो मैं आपको कह रही कि आप चले कहां थे पहुंचे कहां,
अब ये मजे की बात होगी, अगर हमने वापस रिकलेक्ट कर लिया कहां थे, यानी हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ हटे थे, वापस वहीं पहुंच गए। जो लोग भूल ही जाते हैं वो गए, वो फुटबॉल बन गए। तो पर कई बार लाइफ भी तो आपको भुला देती है क्या? कई बार नहीं, मुन्ना का गेम है कि आपको ये स्थिर नहीं रहने देगा, इसका काम है। हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, तभी तो हमारी फ्रिक्वेंसी चल रही है, हमारे अंदर से करंट चल रहा है, सारे समय वाइब्रेट कर रहे हैं हम अंदर से, हर चीज हिल रही है। उस बच्चे का भाग्य ही ऐसा है कि वो स्टेबल नहीं जल्दी हो पाए, भाग्य ही ऐसा है, इसके बारे में विचार नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन ये कोई सोच और टेंशन का विषय नहीं है सर। आप लोग टेंशन, हम क्यों? ओह चिंता ना करो सर, ट्रंप की बात हो रही थी, ट्रंप से भी पहुंच जाए, ट्रंप के भी पहुंचते हैं बिल्कुल एकदम, मतलब हां ही इज सो गुड। लेकिन सर जैसे वो स्टेटमेंट देता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं, ऐसा इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? अभी हमारा देश बेसिकली जो है वो शुरुआत से इस प्रकार से रहा है कि हम एक आलसी कंट्री है। ये कसूर किसी का नहीं है, ये डर्टी पॉलिटिक्स की बात भी नहीं है, हमारे जीन्स में जा चुका है। अगर इसको ध्यान से आप समझेंगे तो हमारे देश के अंदर हमारी सभ्यता आज लाखों साल पुरानी है, ऋग्वेद 90,000 साल पुराने हमारे को रिकॉर्ड्स देता है, भविष्य पुराण आगे की तक बातें देता है। हमारा देश बहुत पहले बसा है क्योंकि इक्वेटर के पास है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से आती हैं। एक टॉपिक और इसमें निकलेगा जो कभी करेंगे कि जितना अफ्रीका में लोग रहते हैं ये सब एलियंस हैं, इनका कलर काला इसीलिए है क्योंकि ये और भी पुरानी सभ्यता है, ये सूर्य से इतने कनेक्टेड है लाखों करोड़ों साल से कि ये काले हो चुके हैं। सूर्य का जितना फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं, सब काला है, कोयला काले रंग का होता है, ये जो बने हैं ये इसीलिए बने हैं। इंडिया भी वही सेक्शन में आता है जिसके अंदर बृहस्पति प्रधान देश है हमारा, ये और एक टॉपिक है, बट एनीवे एक साथ नहीं मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ी हैं, हजारों लाखों साल से सभ्यता चली है, तो यहाँ लोग ग्रो भी कर चुके, बैठ भी चुके, उठ भी चुके, राजा भी बन चुके, गुलाम भी बन चुके, शिक्षक भी बन चुके, गुरु भी बन चुके, स्लेव्स भी, सब हो चुका है। तो हम लोग बेसिकली सब कर आ चुके हैं जीन्स में हम सब कर चुके हैं। आपको यदि कोई पुराने जन्मों में ले जाने का रहस्य सिखा दे तो आप जानेंगे कि आप कुछ जन्म पहले भी उसी लड़की को प्यार करते थे या लड़के को प्यार करते थे जिसके प्यार में आज दीवाने हो गए, और हर जन्म में आपने यही किया है और आप तृप्त नहीं हुए। आप हर जन्म में भोजन के लिए तड़पे इस जन्म में भी, आप हर जन्म में पानी से डरे इस जन्म में भी, तो जो जो आप कर रहे हैं ना ये आप हर जन्म में करते आए हैं। हम भोग में लगे, हम दीवाने हो जाते हैं, मिठाई देखते ही रल टपक जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धन देखते ही दीवाने हो जाते हैं, शेर देखते ही डर जाते हैं। हम हर जन्म से कर रहे हैं, कई जन्मों तक लगा हुआ है, यही चला हुआ है और तृप्त नहीं हो रहे। ईश्वर किसी एक उस जन्म के इंतजार कर रहा है जब हम ज्ञान करेंगे, अरे यार ये मोह है, किसमें फंसे नहीं, अगर रहस्य जान भी लिया तो इस मोह से मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होना इस मोक्ष। आप जिस चीज को लगातार इस जन्म में भोग रहे हैं कुछ सालों बाद आप उससे पूरे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष नहीं, मुक्त हो जाते हैं कि यार बहुत खा लिया पिज्जा, तब पिज्जा का मोह रह सकता है कि होता अच्छा लेकिन यार खा लिया बहुत, अब इच्छा नहीं है। आप मोह से ही परे हो गए, वो मोक्ष वो अलग चीज है। इसलिए कई कई जन्मों से करते 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 हमारे भारत देश में लोग आलसी हो चुके हैं। आलस मोह क्या कहते हैं, आराम से होगा, हो जाएगा, नहीं होगा यार इजी पे बता, तू करप्शन से करने क्या, इसलिए हमारे यहाँ करप्शन खून में। ऐसे तो बढ़ जाना चाहिए क्योंकि हम बेफिक्र हो रखे हैं। हम बेफिक्र नहीं है, हम लापरवाह है, बेफिक्र बेपरवाह होता है, हम बेपरवाह नहीं है, हम लापरवाह है। इसलिए हम भगवान को पालते हैं, इसलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा भगवान है। हम इतने सुंदर लापरवाह हैं जो पहले बेपरवाह थे, किस मंदिर में कौन हिंदू जा रहा है कोई फर्क नहीं। तो हम बेसिकली इजी वे आउट के चक्कर में लापरवाह हो गए। और कनाडा अमेरिका ये सभ्यता 300-400 साल की, 200 साल पुरानी हो गया, ये तो नए नए उठे हैं अभी, नया नया जीन्स है, नया नया भोग भोग रहे हैं, नए नए राजा बन रहे हैं, इसलिए बड़े व्यवस्थित है, बड़े कमाल से सिस्टमाइज है। आज जापान इतना ऊंचा उठा है, ये अमेरिका के बम ने उठाया है, सारे हिल गए, सब शुरू से पैदा हुए, युवा है, युवक है अभी, ये सभ्यता युवा है, यौवनावस्था में हम तो प्रौढ़ हो चले हैं। इसलिए हमारा डर्टी पॉलिटिक्स नहीं, हमारे जीन्स में है,
इसलिए हम लोग कहते हैं इजी वे आउट बता दो यार, आसान कुछ तरीका है, कोई ले दे के होता है क्या, कौन धक्के खाए कौन जाए, हमारे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है अगर टैक्स लग जाए, हमें टैक्स ना दे के ज्यादा मजा आता है, अगर हम टैक्स दे लें जी लें तो क्या बुराई है, हमने हजार साल मुगलों के और अंग्रेजों के अंडर गुलामी करी, हमारे जीन्स में भय है, हमारे अंदर भय है कि हमारी चिंता कौन करेगा, इसलिए हमें अपना गल्ला चाहिए होता है यार, कुछ पड़ा है भाई, ये जीन्स में है, इसमें ऐसा नहीं कि हमारी जनरेशन को समस्या है, हजारों साल से हमारे पूर्वज भोगते भोगते जीन्स में उस फियर को इग्नाइट कर चुके हैं, जो हमें पता ही नहीं क्यों डरते हैं, इसलिए हमें लगता है गवर्नमेंट तो पैसा खा जाएगी, इसलिए हमें लगता है गवर्नमेंट तो पैसा खा जाएगी, जबकि गवर्नमेंट ही तो हमारे पैसे से हमें कुछ देगी करके, तो हमें टैक्स ना देके मजा आता है, हमारे देश में कल्चर है फ्री की दारू बड़ा मजेदार है यार, तो फ्री हमारे संस्कार में आ गया, इसलिए केजरीवाल जीत गया, फ्री का वादा भाई, प्रेम क्या होता है, हमारे देश का प्रेम कैसा है, लड़का लड़की कैसे प्रेम करते हैं, हमारे देश में लड़का लड़की कैसे प्रेम करते हैं, जान तेरे लिए चांद तारे लाऊंगा, है ना फ्री की बात, ना लाना ना कुछ करना, लेकिन लड़की कहती है हाय तो मुझे कितना प्यार करते हो, अब एक ब्रिटिश लड़की को पकड़ ले और उसे बन्ना बोले जान मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, बोले क्रेजी डॉलर है तेरे पास, अरे आर यू क्रेजी, उससे होगा क्या, प्रैक्टिकलिटी से कोसो दूर इमोशन पे, क्यों बड़ा मजेदार बात आई, टॉपिक चेंज घुमा दी लेकिन जोड़ेंगे हम उसको, हमारे राइट ब्रेन है एक लेफ्ट ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट हिस्से को और लेफ्ट ब्रेन राइट हिस्से को पकड़ता है, हमारा जो वर्टिब्रा है वर्टिब्रा बीच में रीढ़ की हड्डी तक का नीचे का हिस्सा, इसमें इधर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, ये पहले ऑन होता है बॉडी में, उसके बाद पैरा सिंपैथेटिक, राइट ब्रेन के पास ये है और लेफ्ट ब्रेन के पास ये है, उल्टा होता है, इसके गैंग्लिया बोलते हैं, इसके छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, लेफ्ट वाला राइट के अंदर, लेफ्ट वाला राइट के अंदर, राइट रेड ब्रेन कौन सा है, इमोशनल ब्रेन, ये कौन सा है, फीमेल ब्रेन, राइट ब्रेन, यस, लेफ्ट ब्रेन क्या है, लॉजिक ब्रेन, ये क्या है, मेल ब्रेन, इसलिए स्त्री मेजरली इमोशनल होती है, इसलिए हृदय लेफ्ट साइड होता है, हृदय भी इमोशन से कनेक्टेड, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वेगस नर्व के थ्रू, इसलिए हृदय का सारा मामला इमोशनल ब्रेन के पास है, सिर्फ यही उल्टा है, बाकी सब इसके अंदर, इसका वाला इसके अंदर, इसका वाला इसके हार्ट और इसके अंदर है, लेफ्टी लोगों का ये उल्टा होता है क्या, हम्म, सेम, ऑलवेज सेम, वो सेम ही रहेगा, अब इसका काम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे आंखों में आंसू टीयर्स के लिए क्या करता है, ये टीयर्स रोकता है, ये टीयर्स शुरू करता है, ये काम है इसका, ये लंग्स को क्या करता है, लंग्स को रोकता है, सांस लिया अंदर गया, ये लंग्स को खोलता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, इनहिबिट्स एंड कंस्ट्रिक्ट्स, ये इसके वर्ड्स हैं, सिर्फ एक हृदय है जिसमें ये वाला हिस्सा एक्सिलरेट कर देता है हार्ट बीट को, और ये उसको डाउन करता है, ये फेफड़ों को सांस को रोकता है अंदर लेता है, ये आंसू रोकता है ये चालू करता है, मुंह के अंदर सलाइवा थूक बनना होता है, सलाइवा को इनहिबिट करता है, स्लो करता है सलाइवा निकलना, ये सलाइवा निकलने को स्टिमुलेट करता है, ये नर्वस सिस्टम की बात, ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का जो चलता है, ऐसे ही हमारा पेट का है, पेट में जो जूसेस निकलते हैं उनको ये स्लोली निकालता है, इंटेस्टाइन के जूसेस को स्लो निकालता है, रोकता भी है, और ये जो सिस्टम है ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, चालू करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब हमने जब सांस अंदर लिया और सांस बाहर छोड़ा तो हमारा क्या हुआ, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हमारे आंसू निकले फिर रुके, कोई कहता मेरे आंसू रुके नहीं रहे तो क्या हुआ, उस वो इस ब्रेन के अंदर पागल हो चुका है, पागल हो चुका है वो, इसलिए उसके आंसू नहीं रुक रहे, कोई कहता भाई सर सांस रोक नहीं पा रहा हूं मैं, हृदय एक्सेलरेट हो चला जा रहा है, इतना इमोशनली पागल हो चुका है कि दिल की धड़कन ही पागलों की तरह भाग रही है, अंधाधुन, और लॉजिकली वो सोच नहीं रहा जो रोक दे के संभाल थम्बा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट कौन हुए, सारे वो जो राइट ब्रेन से चलते हैं, दे इमोशन, कौन है बीमार, कौन है शुगर पेशेंट, सबका यही हाल, जो इधर क्योंकि रोक रहा है, इसका नुकसान भी नहीं है, इसके फायदे भी होते क्योंकि रोकता भी है, नहीं तो पागल ही हो गया,
इसका रोकना भी जरूरी, लेकिन सिर्फ रोकना नहीं, ये दोनों चलने चाहिए, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक। हमारे अंदर का पुरुष तत्व नारी तत्व दोनों चलने चाहिए, इदा और पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ये हमारी चलेगी तभी हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है। सुषुम्ना वो चैनल है, वो वायर है, वो फ्रिक्वेंसी पकड़ने वाली वायर है जिससे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। जब हम इसमें होते हैं और इमोशनल ब्रेन पे हम काम कर रहे हैं तो हम होते हैं स्ट्रेस में। स्ट्रेस क्या है? परेशान है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या से। जब हम इन छह चीजों से परेशान है तो हमारे अंदर स्ट्रेस, इंग्लिश वर्ड शब्द है ये, स्ट्रेस आ गई है, टेंशन कह लो, एंग्जाइटी कह लो, ये हमारे अंदर आ चुकी है। अब उसके कारण क्या हो रहा है? हमारा ये चालू हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन हो जाता है तो संसार में जितनी चीजें हम चाहते हैं बनाना वो सब रुकने लगती है। सोफा खरीदना, कार खरीदनी है, चीजें चाहिए, वो रुकने लगती हैं। जब हम इस पर आ जाते हैं तो उस दौरान जो हम सांस लेते हैं और जब अपने सहस्रार से टच करते हैं वो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। हमारा कोर्ट केस खत्म हो गया, हमारा एक्सीडेंट का केस सुलझ गया, हमारे पैसे फंसे वापिस आ गए। ध्यान से पकड़िएगा, हम किस ब्रेन पर, किस बुद्धि के थ्रू कार्य कर रहे हैं, वो चीज हमारी रुक सकती है और वो चीज हमारी हो सकती है। स्ट्रेस में, हम मैं स्ट्रेस शब्द लूंगा इन छह चीजों के लिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं इन छह चीजों के कारण, तो हमारी सांस उखड़ जाती है। परेशान व्यक्ति की सांस क्या होती है? कोई सिर नहीं पता। तो हाँ बोलिए, वो बॉडी अपने आप लेफ्ट राइट करती रहती है, उसके लिए आप टेंशन मत लो, टिंकू का काम है। टिंकू क्या है? टिंकू सिर्फ नाभि है। सेंटर कहां बॉडी का? नाभि। तो टिंकू है ना, हो रही हो तो उसके लिए, जहां से हो रही हो उसको होना दो, बहुत बात क्या, वो तो आप बाद में जब क्रियाएं सीखोगे तब पता चलेगा किससे सांस ले कैसे छोड़ो, वो बात की लड़ाई है। लेफ्ट वाला राइट से चलता है, राइट वाला लेफ्ट से चलता है। एक सूर्य की गर्म है और एक ठंडी, ठंडी लेफ्ट सी होती है, गर्म राइट की होती है, ये बताएंगे डिटेल है, इसकी टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेस के टाइम हमारी सांस बाहर निकल जाती है, मृत्यु के समय सांस बाहर होती है। ऐसे नहीं मरते हम, ये पावर ले चुके हैं हम, एनर्जी ले चुके हैं, ये बाहर ही जाएगी, ये है मृत्यु। तो जब शरीर दोबारा उसको प्राण को सक्षम खींच नहीं सकता, जीवित नहीं हो पाता, जब तक सांस को अंदर खींच पा रहा है हम जीवित हैं, और सांस अंदर ना आए इसके लिए छहों चीज ये स्ट्रेस पूर्ण काम करती है। अब आप कहेंगे बेचारा स्ट्रेस हो गई यार, वो तो हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप मूलाधार को, आप नीचे बैठे हो, फिर आप कहते हो वहां तो होते हैं ऊपर कैसे आए, टेंशन नहीं, वही सीख रहे हो, यू विल लर्न स्लोली, आएगा धीरे धीरे। जिन्हों का ऊपर जा चुका है उनमें से एक का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो राक्षस बनना सीख चुके हैं। अब हम कहेंगे बहुत कमीना, वो कमीना नहीं है, उसमें कमीना है। वो जो है अंदर बाहर से बोलेगा, ही विल स्पीक इट आउट, आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर भय, हाय लोग क्या सोचेंगे। तो पहला जो मैंने शुरू में बताया, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ऐसी की तैसी लात मार परे फेंको उस दिमाग के हिस्से को जो लोग 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 क्या कहेंगे के चक्कर में फंसा रहता है, जो ये दिखाना चाहता है लोगों के आगे मैं सुंदर दिखूं, अच्छा दिखूं, भला दिखूं, बुरा ना दिखूं, कोई क्या सोचता आपके बारे में, इस थॉट से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ, ये सोचना भी गुनाह है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया आपने ये बटन ऑन कर दिया, ये रुकना शुरू हो गया, अब वो वही सोचेगा, आपको भाड़ में जाए जो मर्जी सोचे, स्टिम्युलेट हो गया, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन। आप इमोशनल हो, इमोशनल क्या होता है? इमोशनल ब्रेन अपनी मर्जी से चलता है, लॉजिक कहता है देखो यार विचार लेते हैं, आजकल पुरुष स्त्री की लड़ाई क्या है, ऐसे मत करो, वैसे क्यों नहीं करते तुम ये सुनते तुम ऐसे करो, तुम देखो उसको देखो, तुमने देखा वो देखो, टोका टोकी, टोका टोकी, रोका टोकी, क्या हो रहा है उससे? इमोशनल ब्रेन ऑन, लॉजिक का ना सिरे में पैर है। अब आम आदमी के पॉइंट से कहें तो स्त्री उसको समझाती रहती है, जैसे तुम्हें बिजनेस नहीं करना, तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम वैसे क्यों नहीं। अब उससे पूछो बहन तुमने कितना किया है। जैसे कि अब पुरुष आदमी रसोई में घुस जा और बोले तू ऐसे को बना रही रोटी, तू ऐसे को बना रही, तूने यहां क्यों रखा, तूने मसाला वहां क्यों रखा, तूने तो किचन इतनी गंदी रखी हुई है, मैं खाना खाऊंगा, ये तो कबाड़ बन रहा है, यहाँ का खाना तो बहुत गंदा होगा, ये टोका टोकी टोका टोकी कुछ नहीं देने वाली है, इससे क्या होगा? स्ट्रेस। इसलिए टोका टोकी रोका टोकी, जिससे आपकी सांस उखड़ रही है उससे परे भागो, उस व्यक्ति से जीवन में संबंध दूर का बना लो जो सारे टाइम टोका रोका और शिक्षा में लगा रहता है। अक्सर होता ना यार मैं सिखाता तुम्हें, मैं बताता हूं भाई क्यों सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है, पहले तो सिखाने वाले की मूर्खता मुफ्त में सिखा रहा है,
अगर सिखाने वाले को समझ है कि दूसरा सुन सकता है तो वो गुरु है, तो वो पहचान गया है कि ये वाला सुन लेगा, नहीं तो आप हर किसी को सिखाने में लगे हो, क्योंकि आप खुद को तुप समझते हैं। आप क्या है? ईगो। ईगो का खेल क्या है? ईगो आपको अगर बिगड़ जाए नाव में नहीं रहने देती नाव। आप जैसे ही नाव में नहीं है आप कहां गए? सपनों में, आगे या मेमोरी में, पीछे। तो जितनी आपका कर रहे हैं सोच, उससे आपको क्या हो रहा है? आपको सिर्फ एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और जैसे ही स्ट्रेस डेवलप हो रही है आपका नाभि केंद्र खाली हो रहा है, नाभि केंद्र खाली हो रहा है आपका, बाहर सब कुछ बाहर, सब रुक गया, आंसू रुक गए, दिल की धड़कन रुक गई, सोच में दिल की धड़कन बढ़ गई, लंग्स की कैपेसिटी रुक गई, पेट में सलाइवा बनना रुक गया, इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने की ताकत रुक गई। हर चीज क्या हो रही है? वायु के विरुद्ध। अल्फा ब्रेन ऑफ। अल्फा ब्रेन ऑफ मींस कृष्णा कॉन्शियसनेस गई। कृष्णा कॉन्शियसनेस गई मींस अब आप कोई युद्ध ना जीत पाएंगे। बड़ा सादा सा है इसका उत्तर। जब आप स्ट्रेस में हो तो यह ध्यान रखें कि आपकी पेट की टंकी हवा से भरी रहे। गहरी सांस लो, कहते हैं ना अक्सर साइकेट्रिस्ट, लंबी लंबी सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। ये उसका स्पेसिफिक रीजन है, ताकि आपका ये अकेला काम ना करे, ये दोनों काम करें। जैसे ये साथ काम करेगा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लॉजिक आपको कुछ बताता है, लड़ मत, कुछ नहीं मिलेगा लड़ाई से। एक लॉजिकल ब्रेन होती है, एक इमोशनल ब्रेन होती है। एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, अब घर वालों को पता लग गया, उन्होंने कहा यार इसे बताएं कैसे, ये दिल का बड़ा कच्चा, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, मरना जाके। तो पड़ोस वाले एक अंकल जी आ गए, बोले मैं बताता हूँ यार, मैं हमने पता नहीं कितनों की लॉटरी के बारे में बताया। अच्छा भाई आप बताओ यार। तो बोले ऐसा करूंगा मैं इसको धीरे धीरे उठाऊंगा। वो घर आया और भाई बोले क्या हाल चाल है भाई टिंकू तेरे क्या हाल है? बोले मैं ठीक हूँ मुन्ना। बोले यार तेरे को पता है आज मैं तेरे से एक बात करना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी। बोले हाँ बोल भाई क्या बात है? बोले मैं ना 50 लाख की लॉटरी जीता हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसमें तेरे को 25 लाख दे दूँ, तो क्या ख्याल है तेरा? बोले मैं तेरे 25 लाख लेके क्या लूंगा, वो भी तू रख ले। बोले तूने मांग लिया तो क्या करूंगा? बोले अच्छा चल यार मान ले तेरी करके 1 करोड़ की लॉटरी लगी हो तो तू क्या करेगा? बोले भाई तब भी 50 लाख तुझे दे दूंगा, तू ही रख लियो। उसका हार्ट अटैक हो गया। इमोशन काबू नहीं, क्योंकि लॉजिक नहीं लगा रहे। दिस इज हाउ इट हैपेंस, क्योंकि आप लॉजिक नहीं लगा रहे। लॉजिक लगाओ, एक्सेप्ट करो। जहां आपके दिमाग में होगा आप में एक्सेप्टेंस होगी, आप ब्रेन को वहीं रखोगे नाव, नाव में। यदि सांस आपका आपकी मर्जी से रिलैक्स चल रहा है, नाभि तक जा रहा है, आप नाव में हो। नाव मींस अभी, अभी में हो, कभी में नहीं हो। हम अक्सर कभी में होते हैं, बस निकले यार उसका क्या करेंगे, उसका वो किया था, उसके पैसे कहां से देंगे यार, 500 का नोट कब बदलेगा यार, 2000 के नोट का खपाएंगे। आप नाव से हट गए। आप जब तक नाव में रहोगे और ख्याली पुलाव नहीं पकाओगे, आपका सहस्रारा अपने आप ऑन होगा। ये मुफ्त में सुदर्शन चक्र नहीं कहा जाता, कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बात यह नहीं है कि वो उंगली में घुमाते थे कुछ। इट इज दिस 1024 गीगाबाइट, यहां से हमारा ये सुदर्शन चक्र, क्राउन चक्र, इतनी फ्रीक्वेंसी से हमारे पास इंफॉर्मेशन यहां से अपलोड होती है। कितना जबरदस्त बायो इंटरनेट है हमारा, हमारे अंदर चलने वाला। यह क्लास पहले हो चुकी है, 128 के मल्टीपल्स में चलता है, 7 चक्र में, 512 यहां आता है और 1028 यहां आता है, 1024 बोल दिया मैंने, कितना 1024 ही हुआ, 1024। यह सहस्रारा ऑन हो जाता है और सारी चीजें काट के खत्म कर देता है छलनी, और ये ऑफ होता है सिर्फ एक चीज से, अटैचमेंट्स। आप अटैचमेंट छोड़ दीजिए, इसे बुरा लगेगा उसे अच्छा लगेगा, राजा वही है जिसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। आपको इसके लिए बड़ी सिंपल एक्सरसाइज करनी है घर में। ये रोज का नियम बना सकते हैं आप कि आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी को काम एनर्जी के तौर पर नहीं, सहस्रारा तक पहुंचने वाले एनर्जी के तौर पे सुषुम्ना से चढ़ाना है। ये शब्द है, ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडलिनी यानी है कि ऊर्जा शक्ति पूर्ण रूप से ऊपर तक है, स्टक नहीं है, फंसी नहीं है। जब आपकी सांस नॉर्मल होती है, बिल्कुल नॉर्मल, तो कुंडलिनी शक्ति बड़े मजे में घूमती रहती है बॉडी में। आप देखेंगे आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं ना बैठ के, तो आप बड़े अच्छे से सांस लेते हैं, बड़ा कूल काम कहते हैं यार गीता में लिखा है यार, आत्मा ना मरती है ना फलाना होता है, ना सलमान खान होती है ना शाहरुख खान होती है।
ऐसे लेक्चर सांस बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती है। आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए स्ट्रेस से रिलेटेड, आपकी सांस फूल जाएगी। जैसे ये चेंज होगी आपकी नाभि पे इफेक्ट आता है, और नाभि पे इफेक्ट आता है मींस अब चीजें बनेंगी नहीं, मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हो ग्रेविटी में फंसा रह जाएगा, होगा नहीं। तो उसके लिए आपने जमीन पर लेटना है, सबसे अच्छा भूमि से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नहीं तो कोई बात नहीं आप जैसे मर्जी लेटिए, कोई बिछौना लगा करके, लकड़ी का ना हो, चटाई टाइप ना हो, क्योंकि लकड़ी उसको सील्ड कर देती है, कंडक्शन रोक देगी आपकी, धरती के कॉन्टैक्ट में आ गए, आपकी पूरी बॉडी ग्रेविटी से चिपकेगी, पूरी बॉडी को लगातार धरती से 100% ग्रेविटी मिलेगी, चार्जिंग होगी और आपकी सांस नॉर्मल रखेंगे। 5 मिनट शवासन में लेटकर हाथ ऊपर की ओर होंगे नीचे की ओर नहीं, सिर्फ एक ध्यान देना, हृदय ऊर्ध्वगामी होना चाहिए बाहर आकाश की ओर, हृदय धरती की ओर नहीं होना चाहिए, वो खींच लेता है। रोते पिटते हम क्या बात करते हैं, ऐसे का कहां जाती है हमारी एनर्जी, ग्रेविटी में। हम खुश होते क्या करते हैं, मजा आ गया यार, तो मजा हमेशा हाथ ऊपर करके आता है, नीचे करके हमेशा गड़बड़ होती है। शवासन में लेटिए, हाथ ऊपर की ओर रखेंगे और नॉर्मल सांस, तकिया बिल्कुल नहीं लेंगे, जितना नॉर्मली सांस लेंगे उस दौरान आप देखेंगे आपके दोनों ऐसे सेट हो जाएंगे, आपकी मर्जी से आपकी बॉडी चलेगी, हीलिंग यू होगी, जो मर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ये ट्रिक सीखते सीखते सीखोगे, ये मत सोचो शब्दों में बता दिया तो करना आ गया, यू विल लर्न इट ओवर द टाइम बाय प्रैक्टिस। घास पे करो, कहीं भी करो, ये तो आपका है सादा सा एक तरीका एक्सरसाइज का, जिसके द्वारा नाभि को आपने पावर देनी है। और दूसरा, अपने आप से सेल्फ इंप्रेस होने के लिए शीशे का इस्तेमाल ना करो। जब जब आप शीशे में लगे रहते हैं, हर समय आपका शीशा आपको ये बताता रहता है अभी भी सही नहीं लग रहा है भाई, और माल बनना है, कुछ और बढ़िया लगा, कुछ और खूबसूरती के लिए कर, ये शीशा झूठ बुलवाता रहता है और आपको औरों के पास भेज देता है कि तुम बताओ यार। इस चक्कर के अंदर हम अपना स्वयं का कॉन्फिडेंस खो देते हैं। दूसरा, पेट का बहुत चक्कर हो गया आजकल कि पेट निकल गया है, मोटे हो गए, और ये बहुत बड़ी वेव चल पड़ी है यार, सिक्स पैक यार, सुंदर लगना यार, ये पतली कमर, अब ये पतली कमर, जब पतली कमर नहीं रही तो क्या करें, थी वही कभी, अब नहीं रही, क्या मारा मारी है? तो अब इस पतली कमर के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम पेट को सिकोड़ते रहते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक चीज समझिए, हमारी स्ट्रेस जब होती है, जब हम परेशान होते हैं, षड विकार हमें तंग करते हैं, तो ये ऑन होने की वजह से हमारी लाइफ की हर प्रकार की इच्छा अपूर्ण होनी शुरू हो जाती है। हम पेट को सक्षम करके रखते हैं, अक्सर पेट खींच के रखते हैं सुंदर दिखने के चक्कर में, जब जब ये करते हैं बॉडी के थ्रू इसको ऑन कर देते हैं, पेट अंदर खींचने मात्र से आप अपने शरीर में स्ट्रेस के बटन ऑन करते हैं। अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे, आप पता नहीं मुफ्त में हेट करने लगेंगे, आप मुफ्त में जलने लगेंगे, आपको गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, ये स्वाभाविक कौन हो जाएगा, ज्यादा सिक्स पैक के चक्कर में पड़ने वाले लोगों का ये हाल है, ज्यादा सुंदर पतली लगनी लड़कियों हैं जो डाइटिंग खेलती रहती है, वो फाइटिंग खेलती रहती है, एक्चुअली डाइटिंग नहीं करती। ये वाला जो एरिया है, ये हमारा फाइट और फ्लाइट के लिए यूज होता है, फाइट या लड़ो या भाग जाओ, और ये वाला हमारा रेस्ट के लिए यूज होता है, रिलैक्स के लिए यूज होता है। अगर आप रिलैक्स करना जानते हैं, आपका सब कुछ शुरू हो सकता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल ऑन है, लॉजिक लगाना जानते हो, फालतू में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, आप इवेंट्स को देख समझ के फंसोगे नहीं, आपका थर्ड आई चलता रहेगा और ग्रेविटी से ऊपर अपने थॉट को फेंकना और भेजना आपको आ जाएगा। यू विल नो हाउ टू डू दैट, आपके हाथ में ताकत होगी कि अपने विचार को लिया, ग्रेविटी से ऊपर ले गए, और वो काम होगा। एक बार चाहना, बस दोबारा कुछ चाहना ही नहीं, उसके बारे में नहीं चाहना है, भी चाहना है वो भी नहीं चाहना है, छोड़ना। आप कहेंगे छूट पाएंगे जी, ये बड़ी भारी समस्या है, छोड़े कैसे, छूटता तो है नहीं यार, लालच आ गया, आपने शिक्षा भी दे दी, फालतू का लेक्चर भी सुन लिया, मजा भी आ गया, लेकिन होता तो कुछ है नहीं। अब होता तो कुछ है के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस इंसान ने सारा कुछ किताब में पढ़ लिया कि कार गाड़ी ऐसे चलाते हैं, उसको वाकई पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन वो सड़क पे एक्सीडेंट मारेगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस तो की नहीं। तो प्रैक्टिस करो, जैसे कि बाबा रामदेव ने कहा है, करने से होगा करने से होगा, करो। 20 साल में बच्चे को ग्रेजुएट बनाते हैं आप, 20 साल वो प्रैक्टिस खेलता है,
तब वो इस लायक होता है कि अब कुछ और प्रैक्टिस करके बन सके। तो ये ना सोचो सिर्फ लेक्चर सुनने से होगा, करो शरीर के द्वारा ये योग करो, ये क्रिया करो, शरीर ट्रेंड हो जाएगा, 100% ट्रेंड होगा, क्योंकि आपने उसको इतना समय देना है, वो मानना शुरू कर देगा। टिंकू बड़े प्यार से मुन्ना का कहना भी मानता है और मुन्ना भी टिंकू का कहना मानता है। खेल है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप कहते हो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं, टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि आप समय से कनेक्टेड नहीं हो, जो सूर्य ऊपर बताया मैंने थर्ड आई, आप इन खुली आंखों से कनेक्टेड हो जो सुनते हो यार ये हो रहा वो हो रहा। आधा दिन तो आप इस बकवास में काट देंगे, आजकल यार 500 और 1000 के नोट हाँ भाई पता क्या हो रहा है, बता यार क्या चल रहा है तेरे दिमाग में चल रहा है, तो मजा आने लगे लोग, और कुछ नहीं है, निकलता कुछ नहीं है, होना वही तो होना है, पर मजा। यही चस्का कहते हैं, यही मिथ्या कहते हैं, यही बेवकूफ बनाना कहते हैं खुद को। आप फिर औरों में चले गए, आप औरों में जाते रहते हैं सारे समय, और यही जीवन जी के जीवन का सत्यानाश कर देते हैं, पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मिलता कुछ नहीं। एक आदमी सारे टाइम अपने घर बैठे, अपने सामने वाले घर के व्यक्ति को गाली बकता रहता था, यार क्या गंदा आदमी है, सारा घर गंदा है इसका, इतना गंदा घर है, कभी साफ नहीं करता, कभी इसने अपनी खिड़की साफ नहीं करी, इतना बदतमीज है, मेरे को तो इसका घर देख देख के आंखों में दर्द होता है। तो उसके भाई आया एक दिन गांव से, कहता भाई तू ऐसा कर, तू अपना घर साफ कर ले, अगर वो नहीं भी करता तो ऐसी की तैसी में जाए, तू अंदर से ही कर ले भाई, ठीक हो जाएगा। उसने कहा चल मैं तो कर लूं। उसने अपने घर में सारी खिड़कियां एक दिन बैठ के रात के समय साफ की, सुबह उठा तो उठते ही गाली बकनी शुरू कर दी, यार ये बड़े घटिया आदमी सामने वाला, मैंने रात रात में खिड़कियां साफ की इसने भी कर दी, गंदगी उसकी खिड़कियों में थी, गंदगी उसकी खिड़कियों में थी और गाली उसे बकता था, पर जिसने गाली बकनी उसने साफ करने का, फिर कहना इसने मेरी देख के अपनी भी कर ली। औरों का चक्कर बहुत खतरनाक, औरों के बुद्धि में ना फंसे, अपने लिए अपने बारे में सोचे, अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए करो, ये आपकी गवर्नमेंट का मालिक है, ये आपका राजा है। औरों को अगर मार सके तो मार सकते हैं, मन में मार दो, आप जीवन भर यही करते आए हो, कई जन्मों से यही कर रहे हो, इस जन्म को व्यर्थ ना जाने दो, इस जन्म में कुछ नया करो, फुल मौज करो, खूब ऐश करो, जो जीना करने आए हो वो करो, रोना पिटना नहीं आने दो, टोका टोकी नहीं आने दो, लोगों को अपने दिमाग में मत आने दो, औरों को अपने दिमाग में मत आने दो, स्वयं से प्रेम करना मत छोड़ो, समाज दुनिया के हिसाब से चलने की मत सोचो। जिस अगर कोई ऐसा गांव हो छोटा सा जिसमें 100 जोड़े लोग रहते हो, 100 पुरुष 100 स्त्रियां और उसमें से 90 के 6 पैक हो, तो जिनके पेट निकले होंगे वो सुंदर होंगे, वहां लोग कहेंगे हाय कितना सुंदर इसका पेट निकला हुआ। छोटे बच्चे कभी भी ये नहीं करते, तभी तो गुलू मुरू इतने सुंदर लगते हैं, कहते हैं टुम 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 करके भाग रहे हो, कितने प्यारे हो, गोलू मोलू ओले ले ले, वो इसलिए क्योंकि उनका पेट निकला हुआ है। ये हमारी नेचुरलनेस है, ये हमारी नेचुरलनेस है, समाज के चक्कर में खुद का सत्यानाश ना करो, पेट निकलता है इट्स लवली, लव योरसेल्फ इट्स ब्यूटीफुल, कितना निकल जाएगा, अपना ही तो है किधर जाएगा, और ज्यादा तंग कर रहा है तो इसके लिए, तो इसकी शुद्धि के लिए हमारे पास शुरुआत से एक क्रिया दी गई है, इसको शुद्ध करना, नाभि चक्र को शुद्ध करना, अग्नि स्थान को पूर्ण शुद्ध करना, क्योंकि हम यहां जो खा रहे हैं पता नहीं कैसा पचा, पता नहीं पचा, इंटेस्टाइन में फंसा तो नहीं रह गया है, मल के रूप में त्यागा तो नहीं गया कहीं, इसके लिए करते हैं व्रत। व्रत व्रत करने से आपके शरीर में जितना मल है उसको निष्कासित होने के लिए एक दिन और मिल जाता है। लेडीज के लिए व्रत एक्चुअली इसी सेंस में बताया गया, एक्स्ट्रा करो, क्योंकि लेडी इमोशनल ब्रेन है, उसका रोक का ब्रेन है, रोकती रहती है ना लेडी, हर चीज में रोकती रहती है, यहाँ जाओ ना, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाई क्यों रहे हो, मत ही जाओ, यहीं बैठे रहो, बच्चों को कहाँ भेज रहे हो, दूर भेज रहे हो, क्यों कर भेज रहे हो, ना भेजो ना, क्यों कर रहे हो, बिजनेस मत करो ना, इस दोस्त को तो मिलो मत। वो खाओ जो बिल्कुल निर्मल आहार है, जो फल टाइप है, जो इंटेस्टाइन में रॉकेट की तरह निकल जाए, अन्न पचाने में समय लगता है। व्रत का मतलब ये है, व्रत का कोई सिग्निफिकेंस नहीं इसके अलावा, व्रत का सिग्निफिकेंस है कि आपका रोग वाला स्ट्रेस वाला बटन ऑन ना हो, क्योंकि लेडीज पहले के समय से घर में काम करती थी, बड़े बड़े ढेर सारे लोगों को पालना पोसना, झाड़ू पोछा काम बनिया कहां थी पहले, वॉशिंग मशीन कहां थी पहले, टीवी कहां था, तो वो सारा दिन पता नहीं कैसे सोच के अन्न खाती थी, क्या सोच से टेंशन से बच्चे पालती थी, तो उनको था भाई मल ना हो शरीर में, पसीना है, बदबू है, खराबी है, घर के काम है,
गंदगी में भी हाथ डाल के साफ करना है, उसने पोछा भी लगाना है, झाड़ू भी लगानी है, चौके में भी हाथ लगाना है, कोयला भी हाथ पे लगेगा। ये सारा मल शरीर से निष्कासित होने के लिए एक दिन मिले, इसलिए व्रत की बता बात मिल गई। अलग अलग किस्म के वो सिग्निफिकेंट, हर व्रत की सिग्निफिकेंस है। उसमें चंद्रमा और सूर्य का स्थान होता है जिस राशि में होता है। गणेश चतुर्थी में भी स्पेसिफिक राशि में होता है सूर्य, और स्पेसिफिक राशि में चंद्रमा, उससे गणेश की कल्पना है। ये सब जेन्युइनली साइंटिफिक है, सिर्फ रिलीजन से जोड़ दिया गया है। तो उसके व्रत करने मात्र से जितना मल है निष्कासित, मल शरीर त्याग देता है, मल और मूत्र दोनों निष्कासित होने से बॉडी शुद्ध, बॉडी की शुद्धि से लॉजिक ब्रेन ऑफ। इसलिए स्त्री सिर्फ इमोशनल ना रह जाए, लॉजिक भी लगाए। जो इमोशनल व्यक्ति होता है उसे अभी लड़ाई करा लो, अभी रुलवा लो, अभी खून करा लो, क्योंकि इमोशन के हाथ पागल हो जाता है, वो पागल दीवाना हो जाता है। लॉजिकल व्यक्ति दिमाग लगा के सोच समझ के करेगा, सिर्फ इमोशन उसका दिमाग खराब नहीं कर सकती। अक्सर लोगों का क्या हाल है, हमारे पास थोड़ी हमारे गुस्से का बटन है, दूसरे के पास होता है। कोई भी आया हमें गुस्सा दिलाया, हम गुस्सा कर लेते हैं। किसे बुद्धिमान कहते हैं, दूसरे ने तो भरपूर कोशिश की गुस्सा कराने की, हमारी मर्जी थी, हमने नहीं किया। हमारी ताकत हमारे पास है, दूसरे के पास नहीं। दैट इज पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके पास बॉडी को स्टिमुलेशन का आदेश है कि मेरी बॉडी मैं चलाऊं मेरे हिसाब से, मेरा जीवन मैं चलाऊं मेरे हिसाब से, मेरे पैसे मैं चलाऊं मेरे हिसाब से। अब तक क्या हो रहा है, दूसरे के हिसाब से। और दूसरा क्या चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या। दूसरे को कुछ नहीं है आपके साथ लेना देना, वो इसी में फंसा रहेगा। मां जैसा कोई है, प्रेमी जैसा कोई, अंधा प्रेम करेगा, वो भी अत्यधिक मोह है, वो भी अहंकार ही बढ़ाएगा, वो भी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। आप अपने आप पर, यू आर ऑन योर ओन, आप अकेले हो, अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ज्यादा के चक्कर में फंसने से कुछ नहीं होगा। और को चाहोगे नाओ, अभी से निकल जाओगे, अभी से निकल जाओगे, पेट सिकुड़ जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पावरफुल हो जाएगा। जैसे ही वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, पैरासिंपैथेटिक वीक हो जाएगा, बॉडी में जाना आना करना होना खराब हो जाएगा, हर चीज रुकने लगेगी, प्राण शक्ति कम होगी, जल्दी भी मरोगे और सड़ सड़ के मरोगे। जो बूढ़े मर रहे होते हैं और सड़ सड़ के मरते हैं, वो कैसे मरते हैं, उनके पास जाओ ना, उनको पूछने, हाँ जी हम आज तक के संवाददाता हैं, अब हम कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ, इनसे पूछेंगे अंकल जी आप क्यों नहीं मर रहे हो। वो कहेगा अरे बेटा बहुत काम रह गए, फिर वो लिस्ट देगा, ये 108 चीजें और थी मेरी, ये करनी ड्यू है, हाय मौत ना आ जाए। इतना मोह फंसा है, कितनी इच्छाएं हैं, कितना मल है, और वो हो नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इधर बनाया मैंने, वो चल नहीं रहा, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है, वो देता है। यह हर चीज रुक रही है, रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, सांस देखेंगे उसकी कैसे चलेगी, वो ऐसी सांस में चलेगा। ये अपने शरीर से जो हमारे साथ घटित हो रहा है, यही है जो कि हमारे जीवन को भी चलाता है। ये बाबा रामदेव का योगा मुफ्त में फेमस नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कैलिफोर्निया में मास्टर अड्डा है, मास्टर स्टेशन है, सारे के सारे साधुओं का, जो मॉडर्न साधु है सारे मिलेंगे आपको वहां। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य को जीवन में चीजें मैनिफेस्ट करने की शक्ति देता है। बाबा रामदेव ने क्या किया, सिर्फ सांस ही तो लिए, और करोड़ों का बिजनेस है, सारे टाइम सांस का गेम है उनका, बॉडी को इधर घुमाते, बॉडी को उधर घुमाते, ये ना चाले, ये मजाक ना समझें। जितने लोग ये करते हैं सबके पास नोट है, किसी के पास कमी नहीं है। क्यों, इसलिए व्रत रखने वाली औरत से डरो, बहुत खतरनाक होती है। मोदी के बारे में भी कहा जाता है 100 दिन तो व्रत रखता है वो साल में, मजाक ना समझे इस चीज को। ये आपके अपने अंदर की भट्टी को सुलगाया जा रहा है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विल पावर से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि विल, आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर लिया ना। इतनी देर से विल पावर ही तो समझा रहा हूं मैं, राजा बना रहा हूं जो करके आ रहा हूं मैं। मेरा मंत्र छीन लेना, मैं कुट्टा हो जाऊंगा फिर। और समझिए राजा होके कैसा राजा, डिटैच्ड, सहस्रारा काम कर रहा है, अटैच नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। राजा होने के लिए गुण भी चाहिए, आप उससे डिटैच भी है। अर्जुन कैसा राजा बना, डिटैच्ड राजा, मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं, 100% मिला उसे, 100% राजपाट मिला। दुर्योधन कैसा राजा था, चाहिए भाई चाहिए भाई, ग्रेविटी से ही काम कर रहा है, कहां गया ग्रेविटी, भूमि में गया मौत। ये सब कैरेक्टर्स को हम इनमें डाल सकते हैं, किस किस चक्र पे कौन काम कर रहा है, लेकिन क्लास बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, आज की क्लास पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।